टीचर्स शो है ये सरकार, टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The teachers शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The teachers शो है ये सरकार, The teachers शो है ये सरकार, The teachers शो है ये सरकार, The teachers show। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 105 में आपका स्वागत है। आज लगातार 105वें दिन हम हाजिर हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नए अतिथि के साथ। और हमारे आज के मेहमान, आज के अतिथि बहुत ही खास हैं। वो आधुनिक भी हैं और पुरातन भी हैं, पुराने तरीकों से भी पढ़ाते हैं और नए नए प्रयोग भी शिक्षा में कर रहे हैं। और इन्हीं सब प्रयोगों के कारण उन्हें पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में जाना जाता है। आज हमारे साथ इस शो में हैं अहमदनगर महाराष्ट्र से श्री विक्रम अटसूल जी। अटसूल जी बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अटसूल जी का स्वागत है द टीचर शो में। नमस्कार विक्रम भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं 104 शो नहीं देख सका, लेकिन कुछ मैंने शो देखे है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी विक्रम भाई, बहुत हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे शो में हैं और पूरे देश के शिक्षक इस वक्त आपको देख रहे हैं लाइव। और हम लगातार एक कोशिश करेंगे कि इस शो के माध्यम से आपने जो भी नवाचार किए हैं, जो जो भी नए काम किए हैं, वो सब पूरे देश के और दुनिया के शिक्षकों तक पहुंचे, ताकि वो भी आपसे प्रेरित हो सके। तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगा विक्रम भाई कि आप थोड़ा अपना प्रारंभिक परिचय दें कि आपकी शिक्षक दीक्षा कहाँ हुई, कैसे आप इस विभाग में आए, थोड़ा शुरुआती यात्रा के बारे में हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। जरूर जरूर। सभी साथियों को प्यार भरा विक्रम अटसूल महाराष्ट्र से मेरा नमस्कार। मैं विक्रम अटसूल शिक्षा के क्षेत्र में 2004 से एज अ टीचर मैं वर्क कर रहा हूँ। मेरा प्रॉपर जो नेटिव प्लेस है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में मेरा स्कूल है झेड़पी प्राइमरी स्कूल बंडगर बस्ती, जहाँ पे मैंने 11 सालों से मैं उस जगह पे काम कर रहा हूँ। और पहला मेरा ज्वाइनिंग था औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। मेरा एक्चुअली इस क्षेत्र में आना तो तय नहीं था, मैं तो आर्मी एनडीए ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन एनडीए में नहीं जा पा सका। तो फिर मेरे जो जीजाजी है और मेरे भाई है, उन्होंने फैसला कर लिया कि आप इस शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करें, शिक्षा के क्षेत्र में आप आए। तो उसके बाद मैंने जो क्वालिफिकेशन था, जो डीएड था, वो पूरा किया 2001 में। और उसके बाद 2004 को मैंने एज अ टीचर मैंने ज्वाइन किया। और टीचर एज अ टीचर काम करते करते मैं हर दिन एक नई बात सीखता गया।
शिक्षा के क्षेत्र में जो नया कुछ हो सकता है, नवाचार क्या हो सकता है, वो मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरी कलीग जो टीचर्स है कविता बंडगर बोल के, उनके साथ और पूरे महाराष्ट्र के टीचरों के साथ मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। सर मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ सर। हाँ हम सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ मेरा आवाज आ रहा है जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलते रहिए, आपको फुल स्क्रीन में रखा क्योंकि आज के ये तो आती है। ओके, कोई बात नहीं है। और काम करते करते एक्चुअली हम तो आगे आगे जब जैसे ही हम जाएंगे तो बातें करते रहेंगे, लेकिन मेरा जो स्कूल है एक्चुअली झड़पी प्राइमरी बंडगर बस्ती, इस स्कूल में जाने के लिए आज भी पक्की सड़क जो बोलते हैं वो पक्की सड़क भी नहीं है। तो मेरे स्कूल में जाने के लिए आपको 2 या 2.5 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता है, उसके बाद मेरा स्कूल मिलता है। और स्कूल जो मेरा मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इस बीच हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ टिप्पणीकार और एंकर हेमंत बिस्सर जुड़ चुके हैं और साथ में दिल्ली से हमारे आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है सर, नमस्कार। आज मैं थोड़ा सा लिंक भेजने चूक हो गई, मुझे लगा कि मैंने भेज दिया है, माफी चाहता हूँ उसके लिए सर। विक्रम अटसूर जी हमारे साथ लाइव है, अभी थोड़ा सा फ्रीज हो गए, मुझे लग रहा है नेटवर्क की दिक्कत है वहां पर। और इस बीच हमारे साथ राकेश जुगरान सर देहरादून डाइट से, सबको नमस्कार भेज रहे हैं। आप सवाल बता दीजिए सर आज का, जब तक विक्रम भाई आते हैं जी। उसको बोलूं क्या सवाल को? हाँ बोल भी दीजिए सर, और लिंक में भी डाल दीजिए, क्योंकि सवाल लंबा है, लंबे सवाल उसमें लेता नहीं है वो, क्योंकि ये इतना ही इसमें मेरा सवाल था। तीन लाइन का सवाल है? नहीं, तीन लाइन का नहीं है सर, लंबा है, लिख देता हूँ। चलो आ गए विक्रम, आ गए आदरणीय आदरणीय सर जी, आपको देख के बहुत खुशी। विक्रम भाई एक मिनट, एक हम सवाल जोशी सर कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है? आप तो लिख तो दिया सर, इतना ही आता है सर, इसलिए कहा गया कि इन्हें के बाद नहीं आएगा वो। अच्छा, इतना ही लेता है एसटी में, 200 डिजिट लेता है केवल, इसलिए कहा गया कि इन्हें विसमत ना करें, मैं इन्हें भुलाए नहीं। वो सर उसमें कमेंट में डाल दीजिए आप, मैं इसके आगे कमेंट में डाल दूं, पूरा डालूं? पूरा डालिए सर, पूरा टाइप करना पड़ेगा। चलो आप चलो बातचीत कॉपी करके सर, टाइप नहीं करना है, व्हाट्सएप से कॉपी करके वहां पेस्ट कर दीजिए। नहीं आता है करना। चलिए अच्छा रुकिए, मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ। विक्रम कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपको देख के बहुत खुशी हुई। मेरे को देख के क्योंकि 2016-17 के बाद आपको मैं मिला नहीं, 16 के बाद आपको मिल नहीं पाया। आपने आपने हमें देश के जो हम कुछ टीचर्स है उनको एक अलग पहचान दी है आपने, जो कि फोटोग्राफी वर्कशॉप्स स्टार्ट करके आपने एक अलग सीसीआरटी में हमारी पहचान कर दी है सर आपने, इसलिए आपको बहुत बहुत नमन। वो फोटोग्राफी का आइडिया भी डॉक्टर भट्ट का था कि सर ऐसा कुछ शुरू कर दीजिए, काफी सारे टीचर्स हैं, तो वो हो गया, काफी सारे टीचर जुड़ गए, अच्छा हुआ, इनके दिमाग में आते रहते थे ना, वो हम हट गए वहां से, नहीं तो हम एक एंकर के लिए इनका आइडिया था कि एंकर के लिए हेमंत को बुलाते, कुछ कुछ करने का विचार था, लेकिन अच्छे अच्छे आइडियाज को ट्रांसलेट कर लेते, लेकिन हुए नहीं। चलो जितने हुए अच्छा हुआ, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बड़ी अच्छी पहचान आपने अपनी बनाई है विक्रम, बड़ा गर्व महसूस होता है। सर सर धन्यवाद सर, सर धन्यवाद। एक्चुअली आप ही से प्रेरणा लेके जो काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया मैंने एक्चुअली मैं तो स्कूल में काम करता था, लेकिन जैसे मैंने 2015 में पहला सीसीआरटी का वर्कशॉप किया था उदयपुर से, और उसी से मुझे बच्चों को जॉयफुल एजुकेशन के बारे में ज्यादा टेक्निक्स मिली, और उसके बाद मैं एनसीआरटी से जुड़ा गया, तो एनसीआरटी से फिर जॉयफुल एजुकेशन के लिए मैं काम करता रहा, और अभी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग पे सर मैं काम कर रहा हूँ डॉक्टर पवन सुधीर मैम एनसीआरटी के आर्ट डिपार्टमेंट के एचओजी के साथ। वाह बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वो हैं जोशी जी हैं, शर्वरी जी हैं, वो आर्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अच्छा डिपार्टमेंट। हाँ सर, लेकिन अच्छा लगा यार, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात।
बस अपने ऐसे ऐसे टीचर्स को बुलाते रहिए, जोड़ते रहिए हमसे। जरूर सर, जरूर। ये आ गया लाइव, आ गया क्वेश्चन, सवाल आ गया सर, एक बार आप पढ़ दीजिए इसको। किनके उत्पादक स्वयं देव यानी भगवान हैं, भगवान जी ने इनको बनाया, यानी कि वैदिक काल के पूर्व इनका उत्पाद इनका इनका इनकी उत्पत्ति हुई संसार में वैदिक काल के पूर्व, क्योंकि भगवान जी की वो थी। और आचार्य जैमिनी ने बहुत इनका महत्व को प्रतिपादित किया है, ये स्वाद में बड़े मधुर हैं, विपाक में कटु हैं और शीत भेद होता है और कई कई गुणों की खान है, इसलिए कहा गया कि इन्हें विस्मृत न करें, इसीलिए कहा गया कि इन्हें भुलाएं नहीं। हम किन की बात कर रहे हैं, ये इन कौन है या इन्हें कौन है? जी धन्यवाद सर। और इन इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देने वाले को माया ऑप्टिकल हल्द्वानी की ओर से 1000 रुपए की कीमत का धूप का चश्मा उपहार स्वरूप दिया जाएगा। तो फटाफट शो खत्म होने से पहले हमारे फेसबुक वॉल पर आकर जवाब दीजिए और चश्मा इनामें जीतिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और माया ऑप्टिकल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विक्रम भाई, आपकी यात्रा को हम सुन रहे थे, बीच में आपका नेटवर्क चला गया था, तो उसका समय का हमें लगा कि हम सदुपयोग कर लें। तो जावेद इकबाल कश्मीर से आपको याद कर रहे हैं, नवीन यादव जी, दिनेश पाठक जी, अपूर्व पंत जी, जगबीर नेगी जी, गिरीश चंद्रा जी, राकेश जुगरान जी, शिवंगी पाठक जी, राकेश पोखरियाल जी, किशन कुमार वर्मा जी, जादेश्वर जोशी जी, कमलेश पटेल जी, बहुत सारे साथी हैं, विश्वास पटोले, मंजुला पांडे, संजय कोडे, ये सब आपको याद करने लगातार शो में। सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। बहुत दिनों के बाद हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। एक्चुअली मेरा प्लेटफॉर्म तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से काम कर रहा था। एक्चुअली मैंने एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र जो फोरम महाराष्ट्र में काम करता है, उस फोरम के माध्यम से मैंने अभी इंटरनेशनल, नेशनल और जो महाराष्ट्र के जो टीचर्स है, जो एक्सपर्टीज है, जो एजुकेशनलिस्ट है, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था पूरे 60 दिन मैंने। उसमें कुछ IAS IPS भी थे, कुछ एजुकेशनल डायरेक्टर थे, और अपने भारत के जो एक्स राजदूत थे ज्ञानेश्वर जी मुले सर, उनको भी मैंने इनवाइट किया था, उनके साथ भी मैंने बातचीत की थी कि कोरोना इन दिस पीरियड, कोरोना पेंडेमिक के पीरियड में हम पेरेंट्स और टीचर्स ने और स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए, हमें उनको एक अच्छी दिशा देने के लिए हम काम कर रहे थे। लेकिन अभी भट्ट सर के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो हम मुझे लगता है कि हम पूरे देश में नहीं, हम और आगे वर्ल्ड में हम जाएंगे, क्योंकि जो वर्की फाउंडेशन ऑफ लंदन है, उनका जो GTP प्राइज होता है 7.5 करोड़ का, उसमें जो टीचर उन्होंने पूरे वर्ल्ड से चुने थे, 50 टीचर चुने थे, उनमें से मैंने 15 लोगों का इंटरव्यू मेरे प्लेटफॉर्म पे लिया था इस पीरियड में, और अभी उनमें से कुछ 10 टॉप 10, पहले टॉप 50 उन्होंने सिलेक्ट किए थे, अभी टॉप 10 किए हैं। तो उनका डिमांड है कि सर आप इस टॉप 10 का अभी कुछ चलाया जाए। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पे न आके इस प्लेटफॉर्म पे हम वर्ल्ड के कुछ टीचर्स हैं उनको हम बुलाएंगे, हमारी संस्कृति, हमारा जो भारत की संस्कृति है, हमारे जो हमारा प्यार है, जो हमारी शिक्षा नीति है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आदरणीय जोशी सर है, तो मुझे अभी ऐसा हो रहा है कि मेरी छाती जो चौड़ी हो गई है। नहीं नहीं, हमारी क्योंकि 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 मैं सर क्योंकि मैं क्योंकि सर जी से मैं जितनी बार मिला हूँ, आज पहली बार मैंने सर को बैठे हुए देखा है। अच्छा चेयर पे आज सर को मैंने पहली बार बैठे देखा है, इसलिए फीलिंग प्राउड सर। चलिए अच्छा विक्रम भाई, आपसे मिलके पुरानी दिल्ली की यादें मुझे बार बार ताजा हो रही हैं जहन में, आपके साथ जो हमने काम किया मिलके जोशी सर के सहयोग से, आशीर्वाद से। अभी हम एक 2 मिनट की फिल्म देखते हैं सर विक्रम भाई पर जो बनी हुई है, उसके बाद फिर हम आगे विक्रम भाई से चर्चा करेंगे। आनंददायी शिक्षणासाठी जॉयफुल एजुकेशन के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रक्रिया का एक अभिनव प्रयोग किया गया। नाटक, कठपुतली और खेल के जरिए छात्रों को गणित और भाषा सिखाई जाती है।
आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े और कठिन इलाके में बसे इस स्कूल की उच्च शैक्षणिक सिद्धियों के लिए विक्रम अड़सुल का बड़ा योगदान रहा है। अध्ययन अध्यापन तंत्र शिक्षा के लिए हमने नई तकनीक को अपनाया है। समुदाय की मदद से इस ग्रामीण स्कूल में आज दो लैपटॉप और दो कंप्यूटर भी हैं। छात्रों का ड्रॉप आउट कम हो इसलिए माता पिता में जागरूकता लाई गई। आज छात्र खुशी खुशी स्कूल में आते हैं और ड्रॉप आउट पूरी तरह से रुक गया है। श्री विक्रम सोनवा अड़सुल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। क्या बात है विक्रम सर, आपकी बहुत चर्चा होती थी यार। जब भी मिनिस्टर एचआरडी में जाता था मैं मीटिंग्स में, तो बहुत चर्चा होती थी कि आपने कैसे काम किया महाराष्ट्र में। और उन दिनों प्रकाश जावड़ेकर जी भी कई मीटिंग्स में उन्होंने आपका आपका रेफरेंस भी दिया था हमें, तो बहुत अच्छा हुआ। हमारी छाती भी गर्व से चढ़ी है। एक्चुअली जब 4 सितंबर को रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके ट्विटर वॉल से मेरा वर्क और मेरा फोटो ट्वीट किया था, तो उस टाइम को बहुत मुझे भी आनंद हुआ कि जो कुछ मैं काम कर रहा हूँ, जो साथियों के साथ काम कर रहा हूँ, तो उसका कुछ फल मिल रहा है। क्योंकि जब मैं काम करता था तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि एक्चुअली सर मेरा जो मुझे जो अवार्ड मिला है, मेरी सर्विस की 14 साल और 5 महीने जब मेरी सर्विस थी, तो उस मेरा जब मुझे अवार्ड मिला था तो मेरा टोटल सर्विस था 14 साल और 5 महीने। और उसी सेम ईयर में जो आईसीटी का नेशनल टीचर अवार्ड था वो उसी साल मुझे मिला था 2017 में। दो नेशनल अवार्ड मुझे मिले थे मेरे काम के ऊपर, क्योंकि मेरा जो स्कूल है एक्चुअली पूरा मेरा जो पेरेंट्स है पूरे नॉमेडिक ट्राइब से मेरे स्टूडेंट बिलोंग करते हैं। तो जिन बच्चों के घर में 100 रुपए का जो होता, हम जो बोलते हैं ना हमारे मराठी में बोलते हैं कि 100 रुपयामध्ये तेला मिठाचा खर्च भागणे, म्हणजे यानी कि उनका 8 दिन का जो सब्जी वगैरह जो होता है वो 100 रुपए में होता है, वहां पे काम करना और उन लोगों से स्कूल में पूरा डिजिटाइजेशन करना, पब्लिक सपोर्ट के साथ स्कूल में कम से कम 10 लाख के आसपास मैंने स्कूल में जो पब्लिक सपोर्ट से काम किए थे, तो वो मुझे बहुत ही, क्योंकि पेरेंट्स को स्कूल के बारे में उनको पास लाना वो बहुत कठिन आई थी, लेकिन मेरे जो कलीग्स है कविता बंडगर, मैं उनको सेलेक्ट करता हूँ। क्योंकि सर एक्चुअली मेरा जो बंडगर वस्ती स्कूल है वो वस्ती शाला जो महाराष्ट्र स्टेट ने 2003 में स्कूल स्टार्ट किया था, और वो जो टीचर थी वो वहां पे स्कूल चला रही थी। एक्चुअली वो स्कूल जो है वहां या कभी किसी जो हट छप्पर बोलते जो जो बकरिया वगैरह जहां रखते हैं वहां पे ऐसी जगह पे वो काम करती रही, और उसका जो काम करने का जो प्रयास था बहुत ही बेहतरीन था। तो उनके साथ मैं जुड़ गया 2009 से, और 2009 से 2020 तक आज भी हम उसी स्कूल में काम कर रहे हैं, और एक दिशा दर्शक रिसर्च बेस्ड काम करने का हम दोनों काम कर रहे हैं। सर मेरे सीसीआरटी में मेरे कलीग थे मिस्टर हरीश पंसुले, मराठी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। हाँ। जब हमने आपके बारे में सुना तो हरीश वाज वेरी एक्साइटेड। हरीश ने कहा कि सर देखिए टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा यूज कर रहे हैं विक्रम,
हमको इनको इनके ऊपर एक फिल्म बनानी चाहिए। तो हम बस जब तक फिल्म बनाते हैं सोचते हैं आपके बारे में, वो तब तक समय गुजरता गया, बस ऐसे ही हम भी फिर रिटायर हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन बहुत बहुत मतलब जिसके मुंह से भी सुना, जिस भी अधिकारी के मुंह से सुना, महाराष्ट्र में टीचर्स के मुंह से सुना कि आपका काम सबको बहुत पसंद आया, जो आपने किया जमीनी स्तर पे जो काम किया वो काबिले तारीफ, बहुत काबिले तारीफ। और सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मेरा फाइनल इंटरव्यू था, तो फाइनल इंटरव्यू में मैंने एक स्लाइड बनवाई थी। अच्छा। एज अ फोटोग्राफी कोरेस्पोंडेंट ऑफ सीसीआरटी। आपकी देन भी, आपका आशीर्वाद भी मिला, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि मेरा एनसीआरटी में काम था, सीसीआरटी में काम था, एससीआरटी में काम था, बाल भारती में काम था, और मेरा जो रूट जो मेरा स्कूल जो है उस स्कूल में काम था, तो मुझे सीसीआरटी का वो बहुत बड़ा लाभ मिल गया सर। वो हेलो बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तकनीकी दिक्कत है, जोशी की आवाज नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से जोशी सर का जो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, तो सर आप कंटिन्यू रखिएगा सर। आप बातें करते रहे, कोई बात नहीं सर। जी सर, शुरू करिए आप। जी आप कंटिन्यू रखिए जी। और जब मैं 2014 से हम 14 को एक्चुअली मैंने सीसीआरटी का पहला वर्कशॉप किया था, उसके बाद दिल्ली में मैंने फोटोग्राफी के जो वर्कशॉप किए, तो वहां पे हरीश सर थे, जोशी सर थे, मेरे कलीग्स थे, उनके साथ मैं काम करता गया। और 2015 में हमने महाराष्ट्र में एक फोरम बनवाया है, एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र एटीएम, जिसके आज लगभग महाराष्ट्र के एक्टिव यानी इनोवेटिव, खूब हमने चुन चुन के हमने टीचर लिए है। तो फेसबुक ग्रुप पे हमारे आज 15,000 के नजदीक हमारे टीचर्स हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में 7,500 के नजदीक हमारे टीचर्स हैं। बढ़िया। तो एक्चुअली हम जो एक काम कर रहे हैं, तो इसका भी, इन टीचरों का भी मुझे मेरी जड़ंगड़न में बहुत फायदा रहा, उनका भी, उनसे भी मैं कुछ नवाचार सीखता गया। और पुराना यानी कि पपेट्री हो, या जॉयफुल एजुकेशन हो, या कंस्ट्रक्टिविज्म हो, उसको मैंने आईसीटी में उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है कि आईसीटी और कंस्ट्रक्टिविज्म और जो हमारा जो पेडागोजी थी उनको मैंने इकट्ठा करके बच्चों को कुछ देने की कोशिश की। तो आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैंने कल ही एक छोटा वीडियो बनवाया है 10 सेकंड का, मेरे स्कूल के बच्चों का, फर्स्ट स्टैंडर्ड के। अभी तो हमारे स्कूल बंद है, लेकिन हम जो बच्चों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो मैंने कल जो एक बच्चों को मैं एक स्टडी देने के लिए गया था, तो मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड के 3 बच्चे अच्छी तरह से रीड कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं जी। तो एक हमें पढ़ाने की एक टेक्निक्स मिल गई है, हमें बच्चों के साथ उनको समझने की टेक्निक्स मिल गई है, और उस टेक्निक के माध्यम से हम अभी एनसीईआरटी के साथ जुड़े हुए हैं, और एनसीईआरटी के साथ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग पे काम कर रहे हैं। 2000 मेरे ख्याल से 16 में एनसीईआरटी ने देश के 11 स्कूल चुने गए थे, जिसमें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी कि एआईएल का जिसमें जिक्र किया गया था, रिसर्च बेस पे उस 11 स्कूलों में, देश के 11 स्कूलों में हम लोग काम कर रहे थे, और मेरे स्कूल में भी मैं काम कर रहा था। तो 2017 को मेरे स्कूल में डॉक्टर पवन सुधीर मैम सर्वे के लिए यानी कि रिसर्च के लिए आई थी 3 दिन के लिए। तो ऐसे 11 स्कूलों का उन्होंने रिपोर्ट लिया, एचआरडी मिनिस्टर को दे दिया या किसी एनसीईआरटी को दे दिया, और उसके बाद 2019 में सीबीएसई के सिलेबस में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को इंक्लूड किया गया। क्या बात है। तो ये मेरे लिए बहुत
गर्व की बात है कि जिसमें मैं काम कर रहा था, जिसमें मेरे कलीग्स काम कर रहे थे, जिसके मेरे सहाध्यापक काम कर रहे थे, उसको कहीं पे तो एक पहचान मिल रही है। और जिस एनसीईआरटी ने जो अभी टीचरों के लिए एक हैंडबुक पब्लिश किया है पिछले 6 महीने के बाद पहले, तो उसमें जो एक एक पेज मेरा वहां पे अभिप्राय दिया गया है उस पेज में। सर हमारे बहुत बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो शिक्षक नहीं हैं, तो बहुत ही शॉर्ट में आप ये इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में बता देंगे आखिर क्या है ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है, जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं और पूरे देश में अभी इसका भी जिक्र हो रहा है। एनईपी में भी इसको जॉयफुल एजुकेशन के तहत इसको ज्यादा वेटेज दिया गया है, जिसके ऊपर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। अभी हम एक टीचरों के लिए या पेरेंट्स के लिए एक हैंडबुक ट्रायआउट भी निकाल चुके हैं, उसका उसके ऊपर काम कर रहा है डॉक्टर पवन सुधीर मैम के मार्गदर्शन पर। तो मैं ये पेरेंट्स और टीचर्स को सभी और बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात जो है, अभी इस कोरोना पेंडेमिक में आप शिक्षा के बारे में ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, पैनिक मत हो जाएगा, क्योंकि इस दिनों में जीना हमारा पहला मकसद है, जीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात रखता है। अगर हम जीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है, तो अगर हम उसके बाद जो फिर वो सब हो जाएगा तो हम स्कूल के क्षेत्र में फिर आगे हम और भी काम कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को हम ये बताना चाहते हैं कि अभी आप अपने घरों में हैं, तो बच्चों को उनके माध्यम से उनको जो करना है वो करने दीजिएगा, क्योंकि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग ये बताता है उसमें जो है, इसमें परफॉर्मिंग आर्ट होता है, आपको तो सबको पता है परफॉर्मिंग आर्ट है और विजुअल आर्ट है। तो हमने ये काम किया कि बच्चों को जो टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है, उस कंटेंट के पास जाने के लिए, इस कंटेंट के पास जाने के लिए हमने इस नवाचार का हमने यूज किया है। चाहे हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को उसके रोल दिया जाए, तो उस रोल जो हम देंगे तो बच्चे खुद अपने रोल डिसाइड करेंगे। जो डायलॉग है वो डायलॉग ही बच्चे खुद डिसाइड करेंगे। अगर डायलॉग मैं उनको लिख के देता हूं तो वो रट्टा मारने की कोशिश करेंगे और वो भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि डायलॉग आपके खुद के डायलॉग आपको खुद लिखना है, खुद को आप प्रेजेंट करना है, आपका ये रोल है, तो बच्चे खुद करते हैं। इसमें विजुअल आर्ट है तो परफॉर्मिंग आर्ट है, ड्रामा है, म्यूजिक है, ऐसे बातों में भी, ऐसे एक्टिविटीज भी हम लेते रहते हैं। तो पेरेंट्स को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपके बच्चे जो है जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि आपके मन में आपके बच्चों को डॉक्टर बनाना है और उसके मन में नहीं है तो आप उसको प्रेशर मत दीजिएगा। क्योंकि बच्चों को जो पेडागोजी हम अगर समझ जाते हैं, तो बच्चों को अगर हमें समझना है तो हमें खुद को पहले समझना पड़ेगा कि हम बच्चों के साथ क्या बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ उन्हें क्या बनना है, उसे क्या बनना है, वो क्या चाहता है। और जी, तो आपके दिमाग में ये कब आया कि इस तरह का हमने कुछ करना चाहिए? कब आया सर, आप कब प्रेरित हुए कि आपने इस तरह का कोई काम करना चाहिए? एक्चुअली 2009 से मैं थोड़ा काम कर रहा था, लेकिन जिस जगह पे मैं काम कर रहा था तो उस टाइम में कोई सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, ना फेसबुक था, ना था लेकिन इतना एक्टिव नहीं था, व्हाट्सएप इतना एक्टिव नहीं था। तो जिस देहात में, जिस मैं रिमोट एरिया में काम कर रहा था, तो उसी जगह पे मैं काम कर रहा था। लेकिन 2014 में महाराष्ट्र का जो हमारा ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग सेंटर है, महाराष्ट्र एससीईआरटी के अंतर्गत था, उसमें मेरा पहला ट्रेनिंग हुआ था। उसके बाद 2014 में मेरा नवंबर में सीसीआरटी का पहला ट्रेनिंग हुआ उदयपुर में पपेट्री का। तो उसके बाद मुझे लगा कि अरे हम तो जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं सभी को अच्छा लगता है, सभी के पसंद आता है, तो ये इसमें कुछ नवाचार है, इसमें कुछ नई बात है, इसमें कुछ दम है, ऐसा लग रहा। तो 2014 के बाद मैंने पूरे ताकत के साथ मेरे स्कूल में और मेरे महाराष्ट्र में काम करने को स्टार्ट किया सर। और उसी टाइम को 2015 में मैंने एक फोरम बनवाया था, एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र, जो फोरम आज पूरे देश में एक, क्योंकि ये फोरम जो है ये नॉन पॉलिटिकल है, किसी शिक्षक संगठना से जुड़ा हुआ नहीं है, और जो भी करते हैं ये सब टीचर मिलके करते हैं।
अभी तक हमने हमारा बुक पब्लिकेशन जो है हम टीचरों के लिए हमारे महाराष्ट्र में, अभी तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सभी भारत के टीचरों को भी मैं यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई बुक्स है हिंदी कौन से भी लैंग्वेज में हो, जितने भी भारत में जितने लैंग्वेज बोली जाती है, जितने लैंग्वेज में हम लिखते हैं, जितने भी लैंग्वेज है उनके आपके अगर बुक है तो पब्लिश करना हम चाहते हैं। और ये जो होता है ये हम पूरे फ्री में पब्लिश करते हैं बुक्स जी, इसी टीचर से हम जो रॉयल्टी होती है पब्लिकेशन की रॉयल्टी नहीं लेते, क्योंकि ये टीचरों ने टीचरों के लिए शुरू किया हुआ हमारा पब्लिशिंग हाउस है, ये उसका नाम रखा है हमने एटीएम पब्लिकेशन। तो ये जो काम है वो टीचरों के साथ जुड़ते गए एक दूसरे के साथ सीखते गए, और इसका फायदा जो है मेरे साथ सभी को होता है, महाराष्ट्र के सभी टीचर्स को होता है सर। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन में हमने आईसीटी का यूज किया, तो आईसीटी में जहां पे मेरे स्कूल में पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इलेक्ट्रिसिटी का मुझे प्रॉब्लम था। मेरे स्कूल जो है वो फॉरेस्ट के नजदीक है इसीलिए, और जो वहां का जो एरिया है वो पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, तो फॉरेस्ट का एरिया होने की वजह से वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी का खंभा भी नहीं आ सकता अंदर, ये मेरे लिए दूसरी प्रॉब्लम थी। तो कुछ क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो हम क्या करेंगे आगे, तो हमने कुछ पेरेंट्स को हमने थोड़ा गाइड किया कि अरे हम क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो मैं संगणक साक्षर हूं, मैं जानता हूं कंप्यूटर चलाना। और देखिए सभी भारत के लिए नहीं सभी वर्ल्ड के लिए कोरोना ने हमें बताया कि आईसीटी का एजुकेशन में कितना इंपॉर्टेंट है, आईसीटी का कितना इंपॉर्टेंस एजुकेशन में है, क्योंकि अभी हमें पूरा पता चला, पूरे देश में पता चला कि अगर हम थोड़ा सर्वे के बारे में बोलेंगे तो पूरे देश में 27% या 30% बच्चों के पास कोई डिवाइस है या कोई गैजेट्स है या कोई इंटरनेट कनेक्शन है, 70% बच्चों के पास कनेक्शन नहीं है, डिवाइस नहीं है, अगर डिवाइस है तो कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है तो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है तो पैसा नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें पता चला कि पूरे हमारे देश में जो है आईसीटी का जो यूज करना चाहिए, या हमें जो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट जो हमें एजुकेशन सिस्टम में आईसीटी की करनी चाहिए वो हमें खुद अभी पता चला है, क्योंकि कोरोना ने हमें दिखा दिया है। तो हमने बच्चों के साथ आईसीटी का स्कूल में हम यूज करते गए, आईसीटी का यूज करते करते हमने वहां पे दो लैपटॉप, दो कंप्यूटर्स, साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर, बच्चों को छोटे छोटे वर्कशीट, ये सब हम करते गए। और इवेल्युएशन में भी हम और जो फ्री सोर्स एप्स है, जो फ्री सोर्स ऐप में हम उसका यूज करते हैं, उसका हम यूज करते हैं कि चाहे फिर हमारे पास वॉइस आंसर हो या गूगल मीट हो या जूम हो और दीक्षा है, वॉइस आंसर है, उसके बाद हमें अगर बच्चों को एनाटॉमी पढ़ानी है तो एनाटॉमी पढ़ाने के लिए एनाटॉमी 40 है, एनिमल के बारे में हमें अगर बताना है तो एनिमल 40 है, स्पेस सोलर सिस्टम है, ऐसे कुछ एप्स का हमने जिक्र किया, यूज किया, जो कि बच्चों को लाइव एक्सपीरियंस देने का हमने प्रयास किया। उसके साथ बच्चों जो है खुद में पढ़ते गए, खुद में इन्वॉल्व होते गए, उनका जो ड्रॉप आउट था वो ड्रॉप आउट जीरो हो गया, उनका जो प्रेजेंटी थी स्कूल में यानी कि वो भी कम ज्यादा बढ़ गई, 100% प्रेजेंट और 0% ड्रॉप आउट मेरे स्कूल में हुआ। तो इवैल्यूएशन में भी हमने सर आवाज इको सर दो कैमरे ऑन है, हेलो जी सर, एक एक जरा सा कौतूहल और एक जिज्ञासा मेरे मन में है कि आपने कहा कि आपके जितने भी गार्जियंस हैं वो नोमेडिक कम्युनिटी से हैं। यस यस। तो सर उनके बच्चों के साथ काम करने में आपको इस तरह की डिवाइसेस का यूज करने में तो बहुत बड़ी दिक्कत, तो उस चैलेंज को आपने कैसे ओवरकम किया? एक्चुअली
ये चैलेंज जो था पेरेंट्स के लिए, उनको आईसीटी के बारे में बताना या बच्चों के साथ एक्सपीरियंस वेरियस एक्सपेरिमेंट करना, मेरे लिए और मेरे जो कलीग्स टीचर थी कविता बंडगर, मैं बार बार उनका जिक्र करूंगा क्योंकि क्योंकि उन्हीं के सहायता से मैं जो आज जो भी हूं, मैं पूरे देश में मुझे जो टीचर जानते हैं या जो शिक्षा प्रणाली में मेरा नाम है या मुझे कुछ नवाचार करता हूँ ऐसा कुछ जानते हैं। आदरणीय जोशी सर ने बोला कि मेरे ऊपर फिल्म भी बनना चाहते थे, तो मुझे ये पता नहीं था, आज मुझे पता चला कि ये मेरे पीछे हो रहा है। तो मेरे जो कलीग थी कविता जिनका नाम है वो भी नॉमिडिक ट्राइब से या मैं अदर कास्ट बिलोंग से था, लेकिन हम इतने बच्चों में घुल मिल गए थे कि बच्चों को हम इतना प्यार देते थे, तो बच्चों को हमने पहले नजदीक कर दिया। उसके बाद मेरा जो लैपटॉप था खुद का, उसको मैं चार्जिंग करके स्कूल में लेके जाता था, बच्चों को छोटी छोटी फिल्म दिखाता था। तो बच्चों को जो बच्चे स्कूल में नहीं आते थे, तो वो स्कूल में आए हुए बच्चे बोलते थे कि आज स्कूल में हमने ये फिल्म देखी, ये पोएम सुनी, ये हुआ, तो बच्चे दूसरे दिन दूसरा बच्चा भी स्कूल में आने लगा। और उनको उनके पास डिवाइस देना, डिवाइस लोगों से कलेक्ट करना, पब्लिक सपोर्ट से ये सब कलेक्ट करना और बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करना, बच्चों को एक्सपीरियंस देना, ये मेरे लिए बहुत ही मेरे लिए कठिनाई की बात थी। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा जिक्र करूंगा जिनके सहायता से मैं ये काम कर सका। महाराष्ट्र में 2017 की नेशनल टीचर अवार्डी है सौ ज्योति दीपक बेलवले, वो ऐसे टीचर है महाराष्ट्र की जिसके पास हम जो भी कुछ मांगेंगे, इंसाइक्लोपीडिया हम उनको इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं कि जो भी जिसका हमें क्वेश्चन नहीं आता, जो हमें सवाल पड़ता है तो उनके पास अगर हम बात करेंगे तो उस पर हमें आंसर मिलता है कि आपको क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कैसा करना चाहिए, आपको क्या प्रेजेंट करना चाहिए, किसके ऊपर काम करना चाहिए। और दूसरी बात, मुझे जो जिन्होंने टेक्नोलॉजी में मुझे सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया, वो है ज्ञानदेव नौसरे नासिक से, महाराष्ट्र से, और उमेश कोटलवार। ये जो टीचर थे इन दोनों ने मेरे लिए बहुत ही काम किया मुझे टेक्नोलॉजी में लाने के लिए, या मुझे खुद पहले बच्चों को पढ़ाने से पहले मुझे खुद को सीखना पड़ता था जी। तो मैं खुद सीखते सीखते बच्चों के साथ सीख रहा था, क्योंकि मैंने पहली बात जब मैंने आज भी स्टार्ट किया तो मैंने जिक्र किया था कि मैं बच्चों के साथ या मेरे कलीग के साथ सीखता गया, और इतना सीखते सीखते इतना परफेक्ट हो गया कि 2017-2018 में मुझे नेशनल टीचर अवार्ड, आईसीटी नेशनल टीचर अवार्ड से नवाजा गया, ये मुझे उस टाइम पता चला। सर एक्चुअली नवीन यादव सर हमारे बहुत ही जागरूक दर्शक हैं और हमें समय समय पर वो बताते भी हैं। वो पूछ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन फ्लश हो रहा है कि कोरोना काल में आपके विद्यालय में ये ऑनलाइन टेक्निक्स का इस्तेमाल आप लोगों ने कैसे किया, कैसे सफल हुए? नवीन जी का प्रश्न जी। नवीन जी आपको बहुत बहुत ये सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कुछ देर पहले बोला था कि पूरे देश में अगर हमने एक सर्वे किया तो 70% बच्चों के पास कनेक्टिविटी नहीं है या ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए कुछ गैजेट्स या कुछ टूल्स नहीं है। जो मेरे पास जो 30% जो बच्चों के पास जो टूल्स है, गैजेट्स है या कुछ डिवाइस है, उन्हीं से मैं व्हाट्सअप, फेसबुक, जूम, गूगल मीट, इनके माध्यम से या ऑनलाइन टेस्ट इनके माध्यम से हम कनेक्ट है। और ज्यादा से ज्यादा ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो है सभी बच्चों को नहीं दे सकता, इसलिए मैंने ऑफलाइन एजुकेशन का भी हमने बिल्कुल करेक्ट यही पूछना वो चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, हाँ हाँ हाँ। तो 100% मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि पूरे देश में किसी भी जगह पे किसी भी स्कूल में 100% ऑनलाइन एजुकेशन इस पीरियड में कोरोना पेंडेमिक में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास उतनी जो हमारा जो सिस्टम जो है उतना सिस्टम अपडेट नहीं है, उतना सिस्टम 100% बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देने के लायक नहीं है। तो हमने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑफलाइन एजुकेशन यानी कि उनके लिए कुछ स्वाध्याय बुक्स बनवाए हैं, कुछ पीडीएफ बनवाए हैं, वो बच्चों के पास अगर संडे को गया तो एक संडे को जाना, उनको जो कुछ सिलेबस है, जो कुछ है उनको बताना, जो कुछ क्वेश्चनरी है उनको देना, उसके बाद दूसरे संडे को जाके उनसे कलेक्ट करना और वो कुछ उसमें उसका इवैल्यूएशन करके उनको नया पीडीएफ वगैरह देना। लेकिन
इस कोरोना पेंडेमिक में, और मैं तो ये बात करता हूँ क्योंकि मेरा अभी वर्ल्ड के लेवल पे या कुछ कंट्री अदर कंट्रीज के टीचरों के साथ भी बातचीत होती रहती है, तो उनका भी यही कहना है कि हमारे स्कूल में भी, हमारे कंट्री में भी 100% ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो रहा है और अभी भी नहीं हो रहा, किसी स्कूल में नहीं हो रहा, मेरे स्कूल में भी 100% ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो रहा है सर। नवीन सर बिल्कुल ईमानदारी से आप स्वीकारते हैं कि यहाँ क्या बाहर, क्योंकि जो सच है ना सर, जो जो सच है, जो सच है वो सच को हम नहीं नहीं जो सही साबित कर सकते, और तभी हम उसके उपाय खोजेंगे जब हम स्वीकार करेंगे तभी उपाय खोजेंगे। जी बोलेंगे कि पूरे 100% ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, तो ये सिस्टम जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सिस्टम है, जो हर स्कूल में, जो सरकारी स्कूलों में बहुत दिक्कतें आती है, ज्यादा से बात कर रहा हूँ मैं, अगर प्राइवेट स्कूल होगा तो आपके आप में किसी आप इसमें से इस अभी जो ऑडियंस है उसमें कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर हो तो उन्हें गलत समझने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में जो जो वहाँ का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग है, लेकिन जो सरकारी स्कूलें है, चाहे फिर यूपी हो या उत्तराखंड हो या महाराष्ट्र हो या जम्मू हो या तमिलनाडु हो, बहुत जो हमारा जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम के जो जिसमें जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज्यादा से ज्यादा हम बात करेंगे कि आईसीटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमकुवत है, ज्यादा हम बच्चों के साथ हम नहीं कनेक्ट हो सकते। तो सर एक बात मैं और पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि इस समय डॉक्टर जोशी सर, डॉक्टर भट्ट जी अभी विजिबल नहीं है, कई साथी पूछ रहे हैं सर, क्योंकि आपको स्कूल टाइम में तो आपने जितना मेहनत किया है वो कर ही रहे हैं, और ये जो है 24 घंटे का की एक्सरसाइज है, तो कैसे परिवार और अपने इस कर्तव्य में आप कैसे सामने बिठा रहे हैं? मेरे परिवार का मेरा मुझे जो सहयोग था और सहयोग है, इसीलिए मैं आज भी ये काम उतने ही ताकत से कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि उस स्कूल का जो मैंने काम किया है, उस स्कूल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट मैंने किया है उस स्कूल का, और जहाँ पे रास्ता नहीं है वहां पे रेत लेके जाना या बीट लेके जाना या पत्थर लेके जाना या सीमेंट लेके जाना या स्टील लेके जाना कितनी कठिनाई थी, ये मुझे मेरे कलीग टीचर्स को और उनके जो हस्बैंड है चंद्रकांत बंडगर, उनका भी यहाँ पे मैं नाम का जिक्र करना चाहता हूँ, और जो मेरे पेरेंट्स थे उनका मैं जिक्र करूंगा कि उनके सहयोग से मैंने स्कूल में काम किया, तो घर से मैं कभी रात को 2 बजे निकलता था रेत की ट्रक आने, रेत की जो गाड़ी आने के बाद, कभी शाम को 5 बजे स्कूल छूटता है और मैं स्कूल में जाता था, कभी 12 बजे जाता था, कभी सुबह जाता था, कभी संडे को भी जाता था, तो पहले मेरे जो घर में थे तो घर वाले भी मुझसे परेशान हो गए थे कि अरे ये क्या कर रहा है। लेकिन जैसे 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 दिन ब दिन मैं काम करता गया, मेरी पहचान पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में होती गई, तो घर वालों को लगा कि ये कुछ तो अच्छा अच्छी राह पे काम कर रहा है। बिल्कुल द टीचर शो को मैं दिल से हृदय से बधाई देता हूँ कि ऐसे ऐसे आप जैसे विद्वत जन, मनीषी कर्मवीर मैं आपको कहूंगा, ऐसे लोगों के वक्तव्य, ऐसे लोगों का परिचय हम सबसे करा रहा है टीचर शो, और आप अपनी बात को भी जारी रखेंगे, क्योंकि सौभाग्य से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं सर हमारे प्रोफेसर जोशी सर, पूर्व निदेशक महोदय, यदि उन तक मेरी आवाज जा रही है तो सर आपके मन में यदि कोई विचार या कोई प्रश्न जो हमारे सब शिक्षकों के लिए लाभकारी हो, यदि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो सर से पूछे। आज नेट का थोड़ा गड़बड़ है सर, बीच में लोग चले जा रहे हैं, तो अगर घर परिवार आपको बिल्कुल सहयोग कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये घर परिवार को भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहिए, कम्युनिटी की ओर से। जी दूसरी बात जो है, मैंने जो फोरम बनवाया था, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ उस फोरम का, तो उसी फोरम के माध्यम से जो मेरे साथ जो टीचर्स जुड़े गए है, तो वो उन टीचरों का मेरे घर वालों के साथ, मेरे बीवी के साथ अभी कांटेक्ट होते हैं, तो बातें होती है, अभी मैं छोड़ के जो टीचर्स लेडी टीचर है उनके साथ मेरी बीवी एक एक घंटा बात करती है कि वो फैमिली मेंबर बन गए आप सभा में, क्या बात, तो और तभी इतना सक्सेस मिल रहा है। जी क्योंकि हम सब फैमिली मेंबर बन गए, तो एक जो हम बोलते हैं ना विश्वास एक निर्माण हुआ है मेरी फैमिली के अंदर मेरे ऊपर, और मैं जो काम कर रहा हूँ पूरे सिस्टम में काम कर रहा हूँ, तो उनको लगता है कि अगर मैं कभी जी 24 तास पे जाता हूँ तो उनको लगता है कि अरे कुछ तो अलग बात है, यानी कि
कभी मैं नेशनल नेशनल न्यूज पे जाता हूँ तो उनको लगता है, कभी मैं न्यूज़पेपर में आता हूँ तो, यानी कि जो मैं काम करता था तो पहले तो मुझे भी घर से थोड़ी परेशानियां थी, लेकिन बाद में जब मैं काम करता था, मेरा स्कूल जो है जहां जाने के लिए रास्ता नहीं है वहां पे मैं जाता था, संडे हो या कुछ हॉलीडे हो, बच्चों को जाना पढ़ाना, नहीं नहीं पढ़ा सका तो बच्चों को मिलके भी आना, ये हम करते थे। तो इसी माध्यम से फैमिली रिलेशन हो गया, मेरे पूरे परिवार का मुझे समझने लगे, पूरे परिवार मुझे, परिवार के लोगों ने मुझे समझा, इसीलिए मैं इस जगह पे आ सका। क्योंकि अगर मैं एनसीईआरटी का कोई मीटिंग हो तो दिल्ली जाना पड़ता था, कभी एनसीईआरटी का मीटिंग हो तो पुणे जाना पड़ता था, और जब मैं जाता था तो ज्यादा से ज्यादा मैं ये बात करता था कि अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो कम से कम संडे या सैटरडे में मुझे बुलाए, ताकि मुझे ज्यादा स्कूल्स में रहने की चांसेस मिले और ज्यादा में बाहर ना मिले। क्योंकि आज भी हम अगर आर्ट डिपार्टमेंट की कोई मीटिंग होती है तो हम पवन मैम से बात करते हैं डायरेक्ट, वहां के जो एचओडी है उनसे बात करते हैं कि मैम अगर आपका वर्कशॉप रखना है तो कम से कम सैटरडे संडे इस दिन दोनों में रखिए, क्योंकि बच्चों के साथ से हमें अगर दूर हो गए तो क्या होता है कि अगर मैं बाहर ही घूमता रहा, अगर स्कूल में नहीं गया तो बच्चों मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और आज डिफीट होगा, और मैं आज इतनी विश्वास के साथ बात करता हूँ कि जो मेरा नाम है या जो मैं काम कर रहा हूँ, जो नवाचार कर रहा हूँ, वो उन्हीं की देन है, वो बच्चों की देन है। अगर मैं उनसे अगर अलग हो गया तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। सर कोई ऐसा यादगार पल है कि आप ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो कभी कहीं कोई सक्सेस मिली और आप बहुत खुश हुए हैं और वो पल आपके जीवन का अमूल्य पल बन गया हो, तो क्या ऐसी कोई घटना हमारे टीचर्स के साथ शेयर करने की कृपा करेंगे? जरूर जरूर। मेरे स्कूल में एक बच्ची थी, एक अभी अभी वो चौथी यानी कि चौथी पास हो गई है। उसको जो मेरे 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 क्लास यानी कि हमारा जो क्लास डिवीजन है वो क्लास डिवीजन हमारे स्कूल में नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता है, रिकॉर्डली होता है, रिकॉर्डली तो हम नाम डालते हैं कि मेरे मुझे स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड जो है मेरे कलीग जो है कविता बंडगर वो 10 साल से वही पढ़ाती है फर्स्ट सेकंड को जी, और थर्ड फोर्थ को मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर स्कूल भरने से पहले यानी अगर कविता मैडम या मेरे कलीग आने से पहले अगर मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड के क्लास में गया तो वो क्लास में फिर दिन भर नहीं आएगी। या हाँ, अगर क्यों अगर उन्होंने अगर थर्ड या फोर्थ, क्योंकि हमारे यहाँ फोर्थ स्टैंडर्ड है, दो ही क्लासरूम है और दो दो क्लास हम पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि दो टीचर है, चार क्लास है, तो थर्ड फोर्थ थोड़ा बच्चे थोड़े जरा बड़े हो जाते हैं तो मुझे उनके साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने में थोड़ा मजा आता है या वो समझ जाते हैं। लेकिन फर्स्ट और सेकंड के स्टैंडर्ड को बच्चों को लाइन पे लाना या उनको पढ़ाना बहुत कठिन बात होती है मैं कहूंगा। तो वो यादगार पल बताइए, शेयर कीजिए कि क्या यादगार पल रहा। तो उस टाइम पे उस बच्चे को पढ़ना नहीं आता था तो मैं कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं एक आध फटका उस बच्चे को मारता भी था कि तुझे नहीं आता नहीं आता। तो मैंने क्या कर दिया, एक मिनट सर, क्या कर दिया कि उस बच्चे को नहीं, वो जो प्यार का फटका जो थर्ड स्टैंडर्ड में बच्ची पढ़ रही थी उसको मैंने सेकंड स्टैंडर्ड में बिठा दिया मैम के पास, और मैम को बोल दिया कि मैम ये बच्ची मेरे स्कूल में नहीं चाहिए मुझे, आप इसको पढ़ाओ या कुछ करो या कुछ ही करो। तो मैम ने एक महीने में उस बच्ची को जो है इतना समझ में ले लिया, उतना उसको पेडागोजी के माध्यम से उसको पेडागोजी समझ ले ली उसकी, और एक महीने में बच्ची वो पढ़ने लगी। क्या बात। तो ये मेरे लिए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि मैं वो बच्ची अगर मैंने उसका फिर साइकोलॉजी देखा तो वो बच्ची मुझसे थोड़ी डरती थी, और घर में जो थी वो घर में उसके एजुकेशन का कोई वातावरण नहीं था, घर में जाने के बाद जो बकरियां पकड़ना या पानी लाना या बर्तन मांजना ऐसे काम उसके पास थे। तो बहुत अच्छा बिंदु आपने बताया सर, हम सब टीचर्स के लिए सीखने लायक है। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट सर, डॉक्टर भट्ट और डॉक्टर जोशी जी फिर से विजिबल हो गए हैं, और डॉक्टर जोशी सर अंगुली उठा के शायद आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सर डॉक्टर जोशी सर। विक्रम मेरे को लगता है कि आई मिस्ड द मोस्ट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू,
और मुझे लगा जो कि मेरे अंग काट रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। आई वॉज सो एक्साइटेड कि आप आज आ रहे हो तो आपसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता था कि गूगल ने अपना एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसमें उन्होंने देश के सारे मॉन्यूमेंट्स को, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। देश के सारे मॉन्यूमेंट्स को, देश की सारी कल्चरल हेरिटेज को डिजिटाइज करके कल्चर मिनिस्ट्री के साथ टाई अप था। उस टाई अप का एक हिस्सा जो था वो HRD के पास भी जाना था। तो क्या आपने गूगल के साथ कुछ ऐसे कल्चरल रिसोर्सेज जो हैं उनका एजुकेशन में प्रयोग किया है? जी सर, जो 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 गूगल पे जो कल्चरल हेरिटेज के जो कुछ मोनूमेंट्स है वो बच्चों को दिखाना, बच्चों को यानी कि हमारे भारत के जो कुतुब मीनार है या ताजमहल है या कुछ जो ऐसे जो हमारे कुछ मोनूमेंट है, हाँ बहुत सारे, तो बच्चों को मैं वर्चुअल ट्रिप, उसको मैं वर्चुअल ट्रिप बोलता हूँ। वो तो मैंने गूगल से तो दिखाए ही, क्योंकि गूगल में तो वहां पे तो वो सब अपलोड है। अगर हम डालते तो सब, अगर मुझे बच्चों को बताना है कि कुतुब मीनार का जो है इतना बड़ा है, इतना लंबा है, मैं सिर्फ बात करूंगा तो बच्चे सिर्फ सुनेंगे, लेकिन अगर उनको विजिबल अगर सामने दिखता है तो बच्चे उसको भूल नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल, यूज किया तो उन्होंने वर्चुअल एक 360 डिग्री पे उन्होंने हर मॉन्यूमेंट का किया वो दिखाया, प्रोजेक्ट था वो। अच्छा, उसमें आप इन्वॉल्व हो तो यूज करते हो? करता हूँ सर। ओह लवली, दैट्स वेरी गुड। एक्चुअली वर्चुअल ट्रिप मैंने भारत के टीचरों के साथ तो किया था, जब केरल में जो बाढ़ आया था उस टाइम मैंने वहां के टीचरों के साथ क्या कंडीशन है मेरे बच्चों को, क्या कंडीशन है वो दिखाने के लिए, मेरे जो कुछ कलीग्स थे जो सीसीआरटी से मुझे जुड़े थे, सलमान था केरला से, तो उससे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने देखा था कि अरे हम क्या कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमरूद का पेड़ मुझे बच्चों को दिखाना था, तो उस टाइम मैंने हमारे वहां के जो डोगरा, हमारे जो डोगरा जी थे उनको कॉल किया था। तो यह मुझे सीसीआरटी की देन है कि जो नवाचार जो करना है, कैसे जुगाड़ कैसा करना, जुगाड़ बोलता हूँ मैं, बहुत रिस्पेक्टिवली वर्ड बोलता हूँ, जुगाड़ करना मुझे सीसीआरटी ने बताया कि बच्चों को अगर आपको एक रियल एक्सपीरियंस, एक रियल एक्सपीरियंस देना है तो आप सीसीआरटी से जुड़िए। क्योंकि कल का दो दिन पहले एक महाराष्ट्र में मेरा एक लाइव वेबिनार हुआ था एनसीआरटी और सीसीआरटी के बारे में बातें करना, तो मैंने उस टाइम में बताया था कि सीसीआरटी के माध्यम से खुद को हम समृद्ध करते हैं, टीचर खुद को समृद्ध होता है, पूरे देश के जहां के जुड़ते हैं, खान पान क्या है, वहां की रहन सहन कैसी है, यहाँ का सोशल बैकग्राउंड क्या है। हम मुझे मुझे ये लगता है कि पूरे विश्व के अंदर सीसीआरटी एक बड़ा अनूठा संस्थान है, बहुत अनूठा संस्थान है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश ऐसा प्रयास कर रहा है कि अपने संस्कृति को शिक्षा के साथ जोड़ने के संबंध में। युवा में हो रहा हो तो हो रहा हो, बाकी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है। लेकिन इंडिया के अंदर हम बहुत भाग्यशाली हैं कि सीसीआरटी जैसा संस्थान है। विक्रम आगे सर, थोड़ा कनेक्टिविटी, यहाँ पे भी थोड़ा बारिश का माहौल है, महाराष्ट्र में अभी बहुत बारिश चल रही है। हाँ बहुत बारिश, हाँ बोलिए। तो मैं ये कह रहा कि सीसीआरटी बहुत अनूठा संस्थान है पूरे विश्व के अंदर, बहुत पूरे विश्व के अंदर ये ऐसा संस्थान है जहाँ हर टीचर जहाँ जब पहली बार जाता है तो वो समृद्ध होके यानी कि खुद को कुछ तो नया सीख के जाता है, नया सीखने की मन में ढांच के जाता है, अपने मन में नया कुछ करने का हौसला बढ़ा के जाता है। और अगर अगर आप इस, हम तो आपको मिल गए हैं, आपसे देख रहे हैं, आपके बातें हम सुन चुके हैं, आपका जो सीसीआरटी में जो अलग था अंकुश था आपके ऑफिस में, अगर कोई मिलना चाहता था तो बोलते यार कौन जाएगा जो जाएगा क्योंकि ऐसा तो नहीं था, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जो सुधीर को, नहीं था, 9 बजे से रात के 9 बजे तक मेरे ऑफिस का दरवाजा खुला रहता था सर, खुला रहता था। लेकिन हम ज्यादा करके हम सुदीप्तों को आपके पास भेजा करते थे, सुदीप्तों को भेजा करते
सुदीप तो और मैं तो बहुत आसानी से हम तो कभी भी बिना बेधड़क चले जाते। बट साहब को और सुदीप तो पश्चिम बंगाल से था तो उनके पास हमारी बातें रखते थे कि आप ये हमें विक्रम सीसीआरटी से फायदा ये हुआ था सीसीआरटी में कि बहुत सारे देश के जितने आप लोगों ने फोटोग्राफ्स वगैरह खींचे थे हमारा रिसोर्सेज जो सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज है रिसोर्सेज बढ़ गए थे और हमने उसकी एग्जीबिशन भी लगाने की सोची थी लगाई भी थी एक कमरे में हमने उसका पूरा एग्जीबिशन लगाया था जो सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स थे फ्रेम किया था लगाया था और बहुत सारे लोगों ने बहुत द्वारका के बहुत सारे लोगों ने और पूरे देश भर के टीचर्स ने देखा था सब इंस्पायर होते थे। यही एक बात है जैसे आपने इंस्पायर किया या आपको उस हिंदी टीचर ने इंस्पायर किया जो एक गांव में एक झोपड़पट्टी में स्कूल चला रही थी आपको इंस्पायर किया ऐसी सीसीआरटी खास बात ये थी कि कई सारे टीचर आके इंस्पायर होके जाते थे तो इंस्पिरेशन जो है ना वो एक बहुत बड़ा मादा होता है बहुत बड़ी चीज होती है सही, क्योंकि आपने एक बार इंस्पिरेशन ले ली फिर यू डोंट लुक बैक तो आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते फिर आप आगे ही बढ़ते जाते हैं जैसे विक्रम ने किया। सर ये बड़ी अच्छी बात है कि विक्रम भाई जैसे शिक्षक हमारे देश में है और आइडियाज की जहां तक बात है आप फोटोग्राफी के वर्कशॉप के बारे में आइडिया के बारे में कह रहे थे हमने एंकरिंग का वर्कशॉप करने का सोचा था लेकिन वो हो नहीं पाया दुर्भाग्य से। तो आइडियाज तो हमारे पास इतने हैं कि अगर आइडिया कंपनी वाले शो को देखेंगे तो हमारे सारे टीचरों को अपनी कंपनी में नौकरी दे देंगे। अच्छा पंडित कृष्ण कुमार वर्मा जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है विक्रम भैया के लिए उन्होंने कहा कि आप इसको नौकरी नहीं समझते आप सेवा समझते हैं तो हम सभी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी बात है। कृष्ण कुमार वर्मा जी का समझना चाहिए। कृष्ण कुमार जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर अगर आप मुझे गूगल पे सर्च करेंगे या मेरे फेसबुक पे सर्च करेंगे या ट्विटर पे सर्च करेंगे तो मैं अभी ये सोचता हूं कि मैं तो काम करता हूं लेकिन मेरे जैसे महाराष्ट्र में हजारों विक्रम होने चाहिए हजारों देवकी नंदन सर होना चाहिए पूरे देश में। मैं तो हो गया ना मेरा तो हो गया लेकिन मेरे से मेरे बात क्या है यानी कि अगर मैं कर सकता हूँ तो दूसरों को मैं प्रेरित कर सकता हूँ दूसरों को मैं मेरे सहायता से यानी कि मेरे बराबर ला सकता हूँ ताकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है जो हम इसमें बदलाव लाना चाहते हैं क्योंकि हम जो एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में जो काम करते हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे कोऑर्डिनेटर है फिर वो पल्लवी गायकवाड़ है जया इगे है अपना जीवन जाधव अपने फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं अतुल भोगरे जी है नारायण मंगलाराम है ज्ञानदेव नौसरे बहुत लोगों के नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकता लेकिन इन सबको मैं एक बात हमेशा बताता रहता हूँ कि हमें अगर कुछ करना है तो गवर्नमेंट करने से पहले हमें करना है और हमें करते कोरोना पेंडेमिक Please tell what you can do for the country. Don't expect what country can do for you. You have to do for the country. वो यदि भावना आ गई ना तो फिर भारत कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। बराबर सर। सुदीप तो शो देख रहे हैं सर कह रहे हैं सुदीप तो कह रहे हैं विक्रम keep going. Thank you सुदीप तो thank you for being us. सुदीप तो को भी बुलाइए कभी एक बार। हाँ सुदीप तो रहेंगे सर वो तो बहुत ही हमारे अजीज हैं बहुत प्रिय हैं मुझे तो। और दूसरी बात ये है कि इस कोरोना पेंडेमिक में महाराष्ट्र में सबसे पहले मैंने ये लाइव सेशन रखे थे सबसे पहले लाइव सेशन उसके बाद था आपका उसके बाद मुझे इतना आनंद होता है कि उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में जो छोटे छोटे ग्रुप्स है छोटे छोटे एनजीओ है छोटे छोटे और हमारा जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है ये सब ने उसके बाद लाइव सेशन रख दिए। बस भट्टी मेरा मन आज एक प्रश्न फिर करने को हो रहा है अगर आप इजाजत दें। जी सर जितना काम विक्रम भैया का है मुझे जाने क्यों ये जिज्ञासा हो रही है कि श्रीमती विक्रम की दिनचर्या क्या रहती है। मेरी दिनचर्या नहीं मिसेज श्रीमती विक्रम की आपकी श्रीमती जी मेरी मिसेज की उनकी क्या दिनचर्या रहती है बताइए सर। वो तो हाउसवाइफ है तो क्या आपके हाउसवाइफ नहीं होम मेकर बनाया उन्होंने घर आपका। थैंक यू सर मैं तो उसे मराठी में अगर बोलते तो हमारे मराठी में बोलते आपको ज्यादा मराठी में सो तुझी भाई को काय करते तुझी भाई को काय मतलब मराठी इतना ही हिंदी बताइए
सर मैं बोलता हूँ कि वो मुझे पढ़ा रही है, मुझे पढ़ाती है। क्या बहुत सुंदर। तो एक्चुअली मेरा थोड़ा कर्जत जो बिलोंग करता है वो तहसील का प्लेस है, लेकिन मेरा जो प्रॉपर नेटिव प्लेस है कोरेगांव, वहाँ पे मेरा कुछ खेती है, वहाँ पे घर है, और जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना वो बच्चे मेरे जेडपी के स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट से स्कूल में पढ़ रहे हैं। जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में अभी 16 बच्चे पढ़ रहे हैं टोटल, फर्स्ट टू फोर्थ में। मैं मेरे बच्चों को कौन से भी बढ़िया स्कूल में मैं भेज सकता हूँ, लेकिन ये पॉइंट के लिए मैंने इनसे निवेदन किया बिल्कुल। लेकिन अगर मैं मेरे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजूंगा या किसी दूसरे स्कूल में भेजूंगा तो एक बात तय होती है कि मेरा जो है जो टीचर्स पढ़ते हैं उनके ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, पढ़ाते हैं उनके ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। अगर खुद हम हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तभी जो अदर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या पेरेंट्स है या सोसाइटी है उनका आपके ऊपर भरोसा बढ़ जाएगा कि ये जो पढ़ा रहे हैं ये सही पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे बच्चों के लिए आज भी मैं उस छोटे से बस्ती में छोटे से गांव में रहता हूं, ताकि कर्जत और कोरेगांव यानी कि मेरा 5 किलोमीटर का फैसला है, लेकिन मैं आज भी मेरे उस गांव में मेरे बच्चों के लिए वहां पे रहता हूँ। छोटे बच्चे, मेरा छोटा बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा है और बड़ा बच्चा अभी 6th में है, तो दोनों भी मराठी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं सर। एक्चुअली दूसरी बात यह है कि मदर टंग में पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए वहां पे उनको बच्चों को पढ़ाना और मुझे पढ़ाना मेरे बीवी का काम है और वो हमें पढ़ाती आई है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, वो आपको पढ़ाते आई है क्या? आपने मराठी में क्या कहा था इसके लिए? तुझी बायको काय करते, मला शिकव, मला शिकवते। जी बहुत अच्छा जी बच्ची। देखो मैं जावेद इकबाल कश्मीर के हमारे साथी हैं, लगातार पहले दिन से ही शो में बने रहते हैं और वो बहुत अच्छी शुभकामनाएं हम सबको आप सबको भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत शानदार शो है। और उमेश गरोना जी भी हैं साथ में, दीपक ज्योति ज्योति दीपक बेल वाले आपकी कोई कलीग है संभवतः। ये ज्योति दीपक बेलवले जी है वो मेरे मेरे गुरु है, यानी कि मैं उसको जिनसे मैं सीखा हूँ जिनसे मैं सीखता हूँ। मैंने पहले अभी कुछ देर बाद मैंने जिक्र किया था कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ महाराष्ट्र, ये ऐसी अच्छा। टीचर है, ये ऐसी टीचर है, ये टीचर ने पूरे जितने भी सॉन्ग पोएम्स है खुद उसने गाए हुए है, पूरे मराठी हिंदी इंग्लिश के पूरे YouTube पे। अगर उनको बात कर रहे थे जी भटजी, आप इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, ज्योति के बारे में शायद। हाँ हाँ, ये ऐसी टीचर है, ये मेरी मेरी गुरु है, यानी कि मेरी दिशा दर्शक टीचर है ये। इनको बुलाइए विक्रम भाई, उनका स्वागत है, उनको हमारी ओर से धन्यवाद बहुत बहुत, हम उनसे बात करेंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि वो 2017 की नेशनल टीचर अवार्डी भी है। दूसरी बात यह है कि इनका महाराष्ट्र के एजुकेशन सिस्टम में एक अलग नाम से उन्हें जाना जाता है। बढ़िया, जो क्रिएटिविटी, अगर हम बोलते हैं ना पारस पत्थर बोलते हैं ना, ये टीचर अगर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं मेरे स्कूल में अगर कोई नई एक्टिविटी करता हूँ तो बाकी के टीचर जो है ना देखते कि अरे कुछ किया है, अगर इस टीचर ने पत्थर को उठा के भी ये चूना लगाया ना तो बाकी के बोलेंगे कि इसने नई एक्टिविटी की है, यानी कि क्रिएटिविटी के नाम से उनको जाना जाता है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए विक्रम भाई बहुत धन्यवाद, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, आज कुछ टेक्निकल दिक्कत थी मेरे लैपटॉप में या पता नहीं कहाँ थी, मेरे को समझ नहीं आया, मैं बहुत देर तक बात सुनने पाया तो हेमंदा तब तक होस्ट कर रहे थे हम सबके बिहाफ पर, जोशी सर भी नहीं थे, तो क्या हुई है और बात और क्या नहीं हुई मैं बाद में रिकॉर्डिंग देखूंगा आप बहुत अच्छे से बैठ के किस में। लेकिन मैं ये सवाल अगर हो गया हो तो मैं आप उसको बाईपास करिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि आप एनसीईआरटी की जो नेशनल करिकुलम कमेटी है उसके भी मेंबर है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि उसमें क्या क्या होता है और कौन लोग उसके मेंबर होते हैं। एक्चुअली मैंने वही बात बता दी थी मैंने कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इसके ऊपर मैं अभी एनसीईआरटी के साथ काम कर रहा हूं और इसमें कमिटी मेंबर वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन एज ए प्रैक्टिशनर मैं मेरे स्कूल में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग चलाता हूँ 2016 से 17 से,
तो उस माध्यम से मैं कुछ नया बच्चों के साथ सीखता गया, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे फुटेज, मेरे वीडियोज बच्चों के जो थे मैं एनसीईआरटी को भेजता गया। और अभी हम टीचरों के लिए, क्योंकि एनईपी में थोड़ा आर्ट को ज्यादा महत्व दिया है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को, तो उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। भाई मैं एक और आपका जो एस्पेक्ट है वो फोटोग्राफी का है, और आप अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, हमने उसके बारे में काफी सुना है। तो एक तो मैं पहले जानना चाहूंगा कि स्कूल में आप जो है फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन का जो आपके स्किल है उसको कैसे यूज करते हैं? एक्चुअली जी पहले इसका जवाब ले, फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन का जो स्किल था तो मैं आप ही से सीखा हूँ, ये बात कहूंगा, क्योंकि मैं फोटो खींचता था लेकिन फोटो कैसे खींचना और उसको अपनी नजरिया से कैसे देखना, कैमरे से नजरिया से नहीं तो खुद की नजरिया से, मन को यानी कि हृदय से हमें उस फोटो को हम क्या देखना चाहते हैं, उस फोटो में क्या देखना चाहते हैं, ये आप ही से सीखा। और उसके लिए मैं आपसे, हम सब एक दूसरे से मिले जुड़े, तो इसलिए मैं जोशी सर को फिर से एक बार धन्यवाद दे दूंगा। तो जो फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन है, जो मेरे घर गांव में छोटे छोटे जो मोनूमेंट्स है, जो टेम्पल्स है, वहां पे बच्चे या कुछ दूर बच्चे नहीं जा सकते, तो जब मैं निकलता हूँ तो कैमरा साथ में रहता है, तो मुझे अगर कुछ नया दिखाई दे दिया तो कुछ टेम्पल्स हो या कुछ हमारे कुछ जो मोनूमेंट्स है, जो कुछ पत्थर भी अगर मुझे अलग दिखाई दिया तो मैं उसको खींच के फोटो में मेरे शूट करता हूँ और बच्चों को वो एजुकेशन में बताता हूँ। दूसरी बात ये है कि बच्चों को मैंने कुछ वीडियोस बनवाए हैं। अच्छा, पहले मैं क्या करता था कि दूसरे जो गूगल से सर्च करता था, दूसरे बच्चों को लेता था और उनको उस वीडियो में डालता था। लेकिन जैसे ही सीसीआरटी से जुड़ा आ रही है तो हमारे पास ही सब मटेरियल है, हमारे बच्चे ही खुद एक्टर है, हमारे बच्चे ही कुछ एक अच्छे एक्सपर्टीज है, तो उनको ही मैं शूट करने लगा, उनको ही फोटोग्राफी करने लगा और उस वीडियोज में उनको ही मैं ऐड करने लगा और यूट्यूब फेसबुक पे उनको शेयर करने लगा। तो ये फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन का मेरे बच्चों को एक अच्छी और सीधी शिक्षा देने के लिए मुझे बहुत फायदा हुआ उसका, और मैं और उसका यूज भी करता हूँ। बढ़िया। और दूसरा मैं ये चाहूंगा कि देश भर के हमारे शिक्षक, अब तो फोटोग्राफी बहुत आसान हो गई है क्योंकि अब कैमरे मोबाइल में कैमरे हैं, हर जेब में कैमरा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इतनी आसान भी नहीं है जितनी लोगों को समझ में आती है, ये आप भी जानते हैं बेहतर। क्योंकि हमें अगर हम क्या करते हैं कि अभी कुछ भी हमारे सामने एक सीन आ गया तो हम अपने नजर से देखते नहीं, पहले कैमरे में शूट करते हैं, शूट करते करते आगे निकलते हैं, तो जो देखना चाहिए, जो हमारी नजर से देखना चाहिए वो हम देखना भूल गए हैं, अभी भूलने लगे हैं। अच्छा। बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हम जो है ना, हमें उसको हमारे आंखों से देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद हम उसको शूट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जहां भी किसी पार्क में जाओ, किसी मोनूमेंट के पास जाओ, किसी भी जगह जाओ, जहां देखो आप सभी को सब क्लैक 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 फोटो कर निकालने वाले दिखाई दे रहे हैं, तो देखने वाले कम हो। नेटवर्क की थोड़ा दिक्कत है सर। जिन्होंने फोटोग्राफी का ज्ञान दिया, भट्ट जी है, हमें फोटोग्राफी का ज्यादा ज्ञान दिया वो भट्ट जी है, सुदीप तो है, और अपने उत्तराखंड से अजय कन्याल जी है, अजय गौरी शंकर है, बड़े अच्छे दिन थे वो, बहुत अच्छे दिन थे जब हम लोग साथ रह के एक दूसरे से सीखते थे दिल्ली में, और आप तो मेरे ख्याल से 3 या 4 बार हमारे साथ रहे, एक दो बार भी नहीं, चार बार हम लोग साथ रहे, और मैं भी आपके साथ लगातार सीखते रहा। तो ये हमारे यादव है, नवीन यादव सर है दर्शक, वो पूछ रहे हैं कि फोटोग्राफी कैसे सीखी आपने, सवाल कर रहे हैं आपसे। एक्चुअली फोटोग्राफी सीखना, अगर कोई बोलेगा कि फोटोग्राफी आती है मुझे, तो बहुत कठिन बात है, कि उसका मेरे ख्याल से उसका जो नॉलेज है ना वो नहीं है उसके पास। तो अगर वो ऐसा कहता है, अगर मैं निकॉन का कैमरा लेता हूँ और फोटो निकालता हूँ तो वो फोटोग्राफी नहीं है।
अच्छा। जब जब मैंने पहले पहले वर्कशॉप में एंट्री की थी और पहले वर्कशॉप में एंट्री में कैमरा खोल के यानी कि लेंस उसका एपर्चर ये सब लाइट ये समझना बहुत कठिन बात होती है। और मैं ये बात कहूंगा बहुत जिम्मेवारी के साथ कि मैं आज भी परफेक्ट फोटोग्राफर नहीं हूं, कोई भी परफेक्ट फोटोग्राफर नहीं बन सकता है। तो मैं बताना चाहता हूं मेरे कलीग को कि भाई फोटोग्राफी ये शौक होता है और ये जो शौकीन होते हैं ना वे पागल लोग होते हैं। मतलब आप हमें पागल करें डायरेक्ट? अरे हम भी पागल है ना, नहीं कोई भी कलाकार पागल तो होता ही है, पागल होता है। मेरे कहने की बात यह है कि फोटोग्राफी में अगर आप जितना सीखोगे उतना कम है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे साहब। एक और सवाल आया है राकेश विस्पुटे जी का है, वो सवाल का जवाब मैं ही देता हूँ, मैं आपको क्या कष्ट दूं। राकेश जी पूछ रहे हैं कि क्या जरूरी है कि कैमरा महंगा हो? तो राकेश सर मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहूंगा कि कैमरे का फोटोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। फोटो जो खींचता है कैमरा केवल एक डिवाइस है। फोटो जो खींचता है वो कैमरे के पीछे जो होता है वो खींचता है। यस वो जितना काबिल होगा फोटो उतनी अच्छी आएगी कैमरा कोई सा भी हो। एक और एक एक अच्छा फोटोग्राफर या एक बुद्धिमान फोटोग्राफर या एक आंखें कान और दिमाग खुले रखने वाला जो फोटोग्राफर है वो मोबाइल से अच्छी फोटो खींच देगा कैमरे के मुकाबले, कैमरे के बजाय आप किसी, मतलब ये ऐसा ही है कि जैसे हम ये कहें कि साहब पार्कर का महंगा 500 रुपए का पेन लेने से आप अच्छी कविताएं लिखने लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी कविता नहीं लिख सकते, 2 रुपए का पेन भी होता अच्छा लिख सकते हैं, बशर्ते कि आपका इमेजिनेशन काम कर रही हो आपकी। जी मैं आपसे आप ही से जुड़ के एक सेंटेंस बोलूंगा कि कैमरा महंगा है ये नहीं है, फोटो कौन निकाल रहा है इससे डिपेंड होता है कि ये डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल पीछे कौन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। आज आज विक्रम भैया आज जोशी सर बहुत देर गायब हो जा रहे हैं बीच में। हाँ वो सर दो डिवाइस से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर लेकिन वो नहीं हो पा रहे, हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत हो। समीर जाना आपको याद कर रहे हैं कलकत्ता से, कह रहे हैं कि वेरी गुड वर्क कांग्रेट्स। तो ये समीर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ वीडियोस भी देखे, कुछ मैंने फुटेज देखे, राकेश शर्मा भी इस प्लेटफॉर्म पे आके चले गए मेरे ख्याल से गुजरात से। राकेश शर्मा भी आके चले गए हैं क्योंकि हम दोनों एक साथ ज्यादा नवाचार की बातें करते रहते हैं, यानी क्योंकि अभी हम वर्क कर रहे हैं, तो उसको भी मैंने देखा है कि अच्छा लगा, चलो बहुत बढ़िया आपका वर्क हो रहा है और अब हम जुड़े हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको कुछ टीचर्स जो है जो इस प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए उनको हम आपके माध्यम से लाएंगे, पूरे देश के लिए हम बताएंगे कि ये क्या टीचर काम कर रहे हैं, बहुत अलग अलग बहुत बढ़िया और इनोवेटिव काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शो में लगभग 20 राज्यों के शिक्षक अभी तक प्रतिभा कर चुके हैं पूरे देश से, और भारत के अलावा भूटान से भी इस शो में शिक्षक आ चुके हैं, और अभी हम धीरे धीरे दूसरे देशों की ओर जाएंगे, लेकिन अभी हम पहले कोई बात नहीं आप जा सकते हैं, आपको जब चाहे तब मेरे पास जितने भी आपने जीटीपी और जो टीचर जो अलग जिन्होंने अलग कुछ किया है वर्ल्ड का अलग कुछ किया है ऐसे टीचर्स के साथ हम जुड़े हैं तो मजा आता है, अच्छा लगता है आपकी मदद से हम लोग ठीक है प्रेरित हो बिल्कुल। हाँ आपकी मदद से उनसे बात करेंगे, और हमारे 100 एपिसोड में उत्तराखंड के मुख्य शिक्षा मंत्री भी इस शो में रहे सर, ये हमारे बड़े गौरव की बात है कि देखा मैंने उनको भी मोदी ने इस प्रयास को सराहा शो में आकर के, ये हम शिक्षकों के लिए बहुत गौरव की बात है। और अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सर ये जो आप उसकी बात कर रहे हैं इवेल्यूशन की, मूल्यांकन की हम बात करते हैं, तो गैजेट्स के थ्रू कैसे हम इवेल्यूशन कर सकते हैं मूल्यांकन कैसे, क्योंकि अभी आजकल फ्रॉम होम हो रहा है सारे टीचर घर में है कोरोना की वजह से, तो जो कम जानते हैं शो को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। एक्चुअली इसके ऊपर तो मैं बात कर चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार मैं मेरे सब कलीग्स को बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क की दिक्कत से मैं सुन नहीं पाया। सभी टीचर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि ICT का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करके इवेल्यूशन भी हम कर सकते हैं।
अभी देखिए कि कोरोना पेंडेमिक में एक भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी मैं मेरे बच्चों का इवेल्यूशन करता हूँ। कैसे करता हूँ? जो बच्चों को मैंने दिया है वो फोटोग्राफी निकाल के व्हाट्सएप पे मुझे भेजते हैं, तो ये एक 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 प्रकार का इवेल्यूशन ही हो गया। अगर फ्लिकर जैसा हम ऐप यूज स्कूल में यूज करते हैं तो फ्लिकर्स में आपको ज्यादा एक मिनट में आपको रिजल्ट मिलता है, एक सेकंड में आपको रिजल्ट मिलता है। आपने स्कैन किया, सिर्फ अपने बच्चों के साथ अपना डिवाइस घुमा दिया, बच्चों के साथ जो आंसर है एक एक सेकंड में आपको पूरे क्लास का आपके पास सब इवेल्यूशन हो जाता है। तो गूगल क्लासरूम है, अभी अभी हम गूगल क्लासरूम के माध्यम से बच्चों को क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया ये भी हम जान सकते हैं। ये भी एक हमारा माध्यम है कि बच्चों को हम इवेल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम तो फेस टू फेस नहीं मिल रहे, तो बच्चे घर में होकर भी बच्चों ने क्या किया, किस क्षेत्र में बच्चे आगे गए, मैथ्स में क्या कहाँ तक है या साइंस में कहाँ तक है, लैंग्वेज में कहाँ तक है, हम गूगल मीट के माध्यम से हम बच्चों को, या व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम बच्चों को इवेल्यूशन कर सकते हैं। तो बहुत टीचरों को ऐसा लगता है कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप से तो हम चैटिंग करते हैं, इवेल्यूशन थोड़े ही करते हैं। लेकिन हम अगर हम सही उसका यूज करें, सही यूज करना चाहते हैं, तो हम कौन से भी एप्स को या कौन से ही गैजेट को हम शिक्षा में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। हम चूंकि भाई हमारा कार्यक्रम का समय लगभग एक घंटा है, तो सवा घंटा हो चुका है। जोशी सर अभी नहीं दिख रहे हैं, और आज का जो सवाल है उसका जवाब भी हम चाहेंगे, क्योंकि उसके दो तीन जवाब आए हैं जो सर ने सवाल पूछा था, वो बड़ा रोचक हमारा सेगमेंट है, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन विक्रम भाई, आपके आज तक के जीवन में शिक्षा, अगर हम शिक्षा से संबंधित बात करें, कौन सा हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब आपको बहुत खुशी हुई एक शिक्षक होने के नाते खुद पर? बहुत बहुत कठिन कठिन सवाल पूछा ये, अभी तक जितने भी सवाल पूछे। टीचर्स की खास बात यही है कि सबसे कठिन सवाल का जिम्मा मेरा ही है। एक्चुअली मैं तो हर दिन ही सेटिस्फेक्शन होता हूँ। अच्छी बात, हर दिन सेटिस्फेक्शन होता हूँ, क्योंकि जब अगर मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, मैंने इस क्षेत्र को चुना है, तो अभी मेरे साथ जो मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं उनका फ्यूचर मेरे सामने मेरे हाथ में है, और उनका फ्यूचर मैं यानी कि पूरे देश के, मैं मेरे जगह पे पूरे पूरे टीचर को देख रहा हूँ, पूरे पूरे टीचर को देख रहा हूँ। भाई अब आपने काफी समय ले लिया, मुझे लग रहा है आपने सोच लिया होगा कि क्या जवाब देना है। वो हैप्पीएस्ट मोमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक जवाब से मैं मानने वाला हूँ नहीं। अपने जीवन का सबसे अनमोल क्षण सर, जो यादगार क्षण बता ही दीजिएगा। आपको लगा कि मजा आ गया, सफल हो गया टीचरों ने, क्या बताओ। बहुत ऐसे तो मेरे जीवन में बहुत सफलता पूर्वक क्षण रहे हैं। बेस्ट वन चाहिए सर, सबसे अच्छा वाला। तो क्या मैडम को फोन करेंगे, फोनो फ्रेंड में? वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे लाइफ में सबसे, यानी कि इस शिक्षा के क्षेत्र में एक मेरे लिए जो यादगार पल है, वो यादगार पल जब मेरा स्कूल जो था, मेरा स्कूल एनसीईआरटी ने रिसर्च बेस के लिए सिलेक्ट किया गया था। क्या बात, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये बहुत गर्व की, प्राउड की बात है कि आपके विद्यालय को, अगर नेशनल लेवल की संस्था जो पूरे देश की शिक्षा को रेगुलेट करती हो, वो आपके स्कूल को अपने उसके माध्यम से, मैं जो मेरा काम कर रहा था वो काम पूरे देश में चला गया था, इसलिए मुझे वो मेरे लिए गर्व की बात थी। तो बहुत खुशी का, चाहे तो मैं अवार्ड तो मिला था, लेकिन अगर आज भी अगर हमने हमारे कुछ टीचरों से पूछा कि चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो बहुत टीचरों को फट सवाल ने जवाब नहीं आएगा कि कौन चौथे राष्ट्रपति थे या नौवे राष्ट्रपति कौन थे। तो ये टीचर अवार्ड तो मेरे लिए कुछ बात नहीं है, ऐसे टीचर अवार्ड तो मिलते जाएंगे। आज विक्रम को मिला, कल कोई दूसरा विक्रम होगा, कल परसों तीसरा विक्रम होगा, और 10 साल बाद अगर आप पूछेंगे कि 2017 का नेशनल टीचर अवार्ड महाराष्ट्र से एक में किसे मिला था, तो बोलेगा कि मुझे पता नहीं, भूल गया मैं। मेरा स्कूल जो था, मेरा स्कूल एनसीईआरटी के लिए जो चुना गया था, और एनसीईआरटी के लिए चुना गया था, तो मेरा जो काम था वो पूरा काम, मेरा काम पूरे देश के सामने गया था, इसलिए मुझे उस दिन में आनंद था सर।
अच्छा सर, जोशी सर एक सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद मैं सवाल लूंगा एक। जस जी सर, चलिए मैं शो में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले बैक स्टेज पे था, आ गया मैं। विक्रम एक बात कहता था कि हमेशा एक टीचर को ना तीन मोमेंट्स याद रखने चाहिए। द फर्स्ट द डे ही गॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर, उसकी दिल की इच्छा थी कि टीचर बने, तो सबसे अच्छा पल वो होता है जिसमें आपको एक टीचर का अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। सेकंड सेकंड उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि वो एक जोकर है, क्लासरूम में अपने दर्द को अपने सीने से लगा के रखता है और अपनी हंसी को बांटता है। कितने ही मोमेंट विक्रम की लाइफ में ऐसे हुए होंगे जिसमें 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 आप नाराज हैं, आप भरे हुए हैं गुस्से से, आपको कोई रोष है, लेकिन आप जब बच्चों के सामने जाते हैं तो आप बिल्कुल खुश होते हैं, आप अपना बिल्कुल स्माइल देते हैं, उनको उनको हंसाते हैं, उनको 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 और आप फेवरेट टीचर बन जाते हैं। और तीसरा चीज जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो है मौत। एनी टाइम एनी मोमेंट बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना, पोस्ट कोरोना, प्री कोरोना, मौत का हमेशा याद रखो। जब मौत को याद रखोगे तो आप हमेशा अच्छा काम करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अगली पगला पर आपकी मौत का हो सकता है। तीन चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर, यू आर ए जोकर एंड डेथ, मौत। वाह क्या बात है सर, ये तो मतलब उससे भी बड़ा स्टेटमेंट हो गया कि अजीब दास्तान है ये, कहां शुरू कहां खत्म से भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लेखक, ये लेखक के अपने विचार हैं सर, ये लेखक के अपने विचार हैं, जबरदस्त विचार है सर, कमाल का विचार है, अद्भुत है, जबरदस्त है। विक्रम सर, प्रधानमंत्री जी से आप मिले, आपके एक फोटो में देख रहा था, दिखाना भी चाह रहा था, लेकिन थोड़ा नेटवर्क ने लैपटॉप ने गड़बड़ कर दिया, नहीं दिखा पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी से आप मिले और बड़े गर्मजोशी से उन्होंने आपसे हाथ मिलाया, वो दाढ़ी भी आपके जैसी रखते हैं, तो क्या कहा उन्होंने, क्या मंत्र दिया? एक्चुअली वो मोमेंट जो थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, हम पूरे डेढ़ घंटा थे। अच्छा, पूरे डेढ़ घंटा थे, तो उसमें टी टाइम हमारा 15 मिनट का टी टाइम होता, और उसके बाद हम पूरे 1 घंटा और 15 मिनट तक हम डिस्कस करते रहे हर टीचरों के साथ। उन्होंने बात की और कुछ नया टेक्निक्स, नया शिक्षा नीति के बारे में, उस टाइम ही उन्होंने 2018 में हमारे साथ बात की थी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्कूलों में कैसे आनी चाहिए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा देहातों में हो या सरकारी स्कूलों के जो टीचर नवाचार करते हैं उनको फोकस में कैसा लाया जाए, जिनके द्वारा ड्रॉप आउट और ये अपना ये कम हो गया है, तो उनको कैसे फोकस में लाया जाए, उनकी ऐसी राह थी। उन्होंने हमारा जो कौतुक किया था वो बहुत ही लाइफ में वो मेमोरेबल था कि प्राइम मिनिस्टर खुद मेरा ट्वीट करते हैं। हाँ बड़ी बात सर, वाह बढ़िया, तो वो बड़ा अच्छा लगा होगा, कुछ मीठा मीठा लगा होगा। अच्छा, मीठा खाने के लिए इतना था, जब तक जहां तक मेरे मैंने जिंदगी में कभी कुछ खाया नहीं था वो वहां पे खाने के लिए था। हमें बोला था कि टी टाइम है, लेकिन जब मैं हम गए तो टी टाइम नहीं था, कुछ लड्डू, कुछ मिठाइयाँ, कुछ कुछ बहुत बहुत कुछ रखा था, तो उसमें मिठाई था। बढ़िया, ओपल नहीं भूल सकते, राकेश भी मेरे साथ थे, राकेश पटेल भी मेरे साथ थे। नहीं, राकेश बिस्कुटे कह रहे हैं कि बिल्कुल सर, मैं भी खुद को तारे जमीन पर सिनेमा का आमिर खान समझता हूँ और वैसे ही कार्य करता हूँ। बहुत अच्छा राकेश जी, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कई लोग जो है, कई लोग गजनी का आमिर खान भी हो जाते हैं, तो उससे थोड़ा बचना बचने की कोशिश करिएगा। बड़ी हमारा तो टाइम अब गजनी बनने का ही हो गया है, बहुत कुछ भूल जा रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं सर, आप तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आप अगर भूल जाएंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन आज सर हाँ। देर से आए लेकिन सर अब मन खुश हो गया। मैं तो बीच में बहुत घबरा गया सर जब आप विजिबल नहीं थे। नहीं मैं तो सुन रहा था सर आपको, लेकिन मेरा इंटरनेट पता नहीं, भट्टी ने मेरे को बैक स्टेज पे डाला हुआ था। आप दिख नहीं रहते सर, आप दिख नहीं रहते, बैक स्टेज में नहीं डालता किसी को, नहीं डालता, क्योंकि हमारे पास तीन उत्तर भी आए और हम घबरा गए, क्योंकि चक्रव्यूह का वेधन तो अभिमन्यु को ही करना है ना सर, हम तो डर गए फिर बाहर से। तीन प्रश्न आए भट्टी, तीसरे दरवाजे में भट्टी अटक गए थे सर।
जोशी सर से मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि आपने सीसीआरटी में एज अ सीसीआरटी में आपने निदेशक एज अ वर्क किया है, आपको सब सीसीआरटी के बारे में आपको सब पता है। जो जो नए निदेशक है उनको कुछ ऐसा बस बस आपने आप मुझसे ज्यादा ज्ञानवान है, मुझसे ज्यादा ऊर्जावान है, मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, मुझसे ज्यादा ऊर्जा रखते हैं, लेकिन उनकी नियत बहुत अच्छी है, लेकिन लेकिन अभी कोविड की वजह से हाँ, लेकिन क्या हुआ है कि जो पहले जो टीचर वर्क कर रहे हैं सीसीआरटी के साथ, उनके हमारी और उनकी जान पहचान नहीं हुई है जी। ये बात मैं कहना चाहता था कि तो फिर एक बार क्यों ना हम एक बार जो पुराने साथी सीसीआरटी को जो आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं फोटोग्राफी की नहीं, हम फोटोग्राफी की बात ही नहीं, उनके जो राजदूत हैं, नहीं नहीं सुनिए सुनिए विक्रम, हाँ विक्रम, उनके जो राजदूत हैं वो इस प्रोग्राम को जरूर देख रहे होंगे, मेरी मेरी पूरी उम्मीद है कि वो इस प्रोग्राम को देखते होंगे, उनके जो राजदूत हैं या उनके जो गुप्तचर हैं वो जरूर इस प्रोग्राम को देखेंगे और आपकी बात का संज्ञान लेंगे, क्योंकि वो मैं मतलब ठीक है मैं आज उनसे मेरी बातचीत नहीं है, लेकिन जितनी उनकी समझ है या जितनी उनकी सोच है मुझे लगता है कि वो सीसीआरटी को बहुत आगे ले जाएंगे। हाँ, क्योंकि जो टीचर सीसीआरटी को आगे बढ़ा रहे हैं, सीसीआरटी को स्प्रेड कर रहे हैं, सीसीआरटी को सीसीआरटी का ज्ञान बाकी के टीचर को दे रहे हैं, उन ये सब पुराने जो टीचर है उनको किसी ना किसी कारण या कौन सा एक आधा वर्कशॉप 5 दिन का हो या 3 दिन का वर्कशॉप हो उस वर्कशॉप में बुलाना चाहिए, हमारा एक दूसरे से जान पहचान बातें हो गई तो हम आगे काम करने के लिए और भी सक्रिय हो जाएंगे, और उसके लिए आप थोड़ा इंटरफेयर करेंगे ऐसा हम आपको। ओ भाई तुम यार वो हाथ मत जोड़ यार मेरे लिए यार, तू भैया हाथ मत जोड़, क्योंकि मैं एक कैमरे से एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, मेरे लैपटॉप में दिक्कत है, मैं हाथ नहीं जोड़ सकता, लेकिन आज आपको, लेकिन वो जरूर सुनेंगे इस प्रोग्राम को और बुलाएंगे, शायद आप बुलाएंगे क्योंकि अच्छे टीचर्स की उनको भी दरकार होगी, और यदि आप दिल्ली आए तो मिलिएगा जरूर हमसे, ये नहीं कि हम कभी रिटायर हो गए तो मिले नहीं, जरूर जरूर आप जैसे शिक्षक, मैं एनसीईआरटी और सीसीआरटी के बीच में रहता हूँ, और भट्टी का भी एक आइडिया है कि ये इस प्रोग्राम में जितने मुख्य वक्ता आ रहे हैं उन सबका भी हम 3-4 दिन का समागम करेंगे, ईश्वर हमें शक्ति दे, सहमति दे, अपना आशीर्वाद दे कि हम उस स्थिति में पहुंच सके, क्योंकि इनके प्रयास से एक स्पॉन्सर छोटे से हमको मिले हैं, होगा कि बड़े बड़े स्पॉन्सर हमको मिलते जाएं, तो हम हमारा बिल्कुल अच्छी नीयत के साथ हमने प्रोग्राम शुरू किया है, अच्छे अच्छे टीचर जुड़ते जा रहे हैं, सब प्रसन्न हैं, सब देख रहे हैं, और इनका भी आइडिया है कि जितने मुख्य वक्ता जिन्होंने हमें सहयोग दिया है उन सबको हम बुलाएं और उनसे पुनः बातचीत करें और एक 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 सकारात्मक माहौल बनाएं। जरूर जरूर सर जरूर, हम हर साल मिलने की कोशिश करेंगे जैसे पेंडेमिक खत्म होगा विक्रम भाई, और सीसीआरटी की जहां तक बात है मेरी निजी राय है, लेखक के अपने विचार है कि सीसीआरटी को आप जैसे शिक्षकों की बहुत जरूरत है, अगर वो आपको नहीं बुला रहे हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि मेरे जैसे शिक्षकों की जरूरत उनको नहीं होगी, नहीं है, लेकिन आप जैसे शिक्षकों की उनकी निश्चित रूप से जरूरत है, तो आपको आज नहीं तो कल वो याद करेंगे, क्योंकि शिक्षक है तो सीसीआरटी है, शिक्षक ही नहीं तो सीसीआरटी कैसे, ये मेरा निजी मामला है। तो आजकल जो हमारा फोकस है वो स्कॉलरशिप फेलोशिप हो गया है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि स्कॉलरशिप जो बच्चों को देते हैं या फेलोशिप जो देते हैं वो सिर्फ वो 2 परियोजनाएं हमको इसमें मिली थी क्योंकि हमारे साथ टीचर्स थे, पूरे देश के टीचर थे, इसलिए संस्कृति मंत्रालय ने सोचा कि इनको स्कॉलरशिप दी जाए, इनको फेलोशिप दी जाए, तो हमें अपने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देश में जो काम आज टीचर्स कर रहे हैं वो समतुल्य है डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, सफाई वाले, बिजली वाले, पानी वाले, पुलिस वाले, ये जो जिसकी जिसकी बात होती है ना पेंडेमिक के बीच में, टीचर्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट काम टीचर्स पूरे देश के बच्चों को, पेरेंट्स को संभाल रहे हैं, तो इसलिए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम।
सर आपने जितने तरह के नाम लिए इन सबका मिला जाना रूप है शिक्षक। वो सफाई कर्मी भी है, वो डॉक्टर भी बन जाता है, वो पुलिस वाला भी बन जाता है जरूरत पड़ने पर, क्योंकि वो रोल करना पड़ता है। तो आज का शोर सर हम, मुझे लगता है कि अंतिम क्षणों में है और हम आपसे जवाब चाहेंगे आज के सवाल का, ताकि जो हमारे बहुत सारे दर्शक जवाब दे चुके हैं। मैं अपने मैं कंप्यूटर में उसमें हूँ, फोन पे हूँ, तो मैं अपना जवाब नहीं देख पा रहा हूँ। बोल के बता दीजिए जवाब क्या आए आपके पास, आपका जो जवाब आया। कुछ तो एक दर्शक ने जटामासी लिखा था सर, एक ने लिखा था सोमरस, और बाकी जवाब मैं भी नहीं देख पाया क्योंकि वो बहुत सारे मेरे भी के डिस्टर्बेंसेस रहे और बहुत सारे कमेंट्स हेमंत दा ने यदि नोट किया हो कोई जवाब स्क्रीन पर है सर, शिवांगी पाठक ने लिखा है सोमरस सौभाग्य से सोमरस बिल्कुल गलत है। और अकबर पंत कह रहे हैं जटामासी, वो दुर्भाग्य से गलत है। तो अगर बाकी जिन शिक्षकों ने उत्तर दिए थे एक बार फिर दे दें, वो हम देख लेंगे। अब हो सकता है देखिए इसका बड़ा सिंपल सा उत्तर था, इसका उत्तर था यव, यव कह लीजिए, जव कह लीजिए या जौ कह लीजिए। जौ को धनराज कहा जाता है, जव का प्रमुख स्थान है, इसे दिव्य धान भी किया गया है, राइट। जबकि उत्पत्ति कैसी हुई इसके बारे में मत बताते रहे, परंतु यह सत्य है कि जब के उत्पादक स्वयं देवता थे। जब महर्षि जैमिनी ने यज्ञ की परंपरा को स्थापित किया, क्योंकि उन्होंने यज्ञ की परंपरा, उन्होंने उसके साथ साथ जौ की परंपरा को भी स्थापित किया, इसीलिए मैंने लिखा है कि आचार्य जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में इसको कैसे वो किया है, राइट। और जौ जो है वो पंचतूत में जिस सत्तू का नामोल्लेख किया जाता है वह यही यव या जव का सत्तू है। तो जौ जो है, जौ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यव का दलिया, कांजी, तेल विभिन्न रोगों के लिए रामबाण है, और इसीलिए कहा गया कि यव को भूलिए मत, यव को विस्मृत मत करिए, क्योंकि आप हम सब जब तर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, तो उस जौ की महिमा अपनी अलग है, इसलिए जौ को धान्यराज कहा गया। तो जौ इसका ठीक आंसर था, बट दुर्भाग्य से या सौभाग्य से किसी का भी हमें सही उत्तर नहीं मिला। सर एक मेरे विभागीय अधिकारी थे, वो मुझे ज्ञान देते थे कई बार, मुझे आपकी बात से याद आया, वो कहते थे गर्मियों के दिनों में जो जौ का रस मिलता है बाजार में, उसको फ्रीजर में ठंडा पियो तो बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आराम मिलता है। अथर्ववेद में एक सूक्त है जिसमें जिसके माध्यम से ये निश्चित हो गया कि जौ जो था वो जौ की उत्पत्ति पूर्व वैदिक काल में हुई थी। जी मेरे को लगता है कि इंडस सिविलाइजेशन में नेशनल म्यूजियम में आप जाओ, वो कहते हैं कि हमको जले हुए गेहूं मिले, वो गेहूं उसके साथ जौ भी हो सकते हैं, जो नेशनल जल जाते हैं काले हो जाते हैं ना, तो कार्बन आ जाता है उसमें। शिवांगी पाठक जी कह रही कि आज का चश्मा बज गया, आज का चश्मा बज गया। शिवांगी पाठक जी कह रहे हैं क्या पता किसी का उत्तर जौ हो। मैं पीछे जाके चेक करूंगा सर, जब शो खत्म होगा तो मैं चेक करूंगा, अगर जौ किसी का उत्तर होगा तो हम उनको सूचित करेंगे। तो विक्रम भाई मजा आ गया, आपने तो आज शाम जो है बहुत खूबसूरत बना दी हमारी सबकी, और बहुत नए नए आइडिया आए, हालांकि मैं पूरा रह नहीं पाया, दुर्भाग्य से टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम कुछ कर नहीं सकते। फेसबुक लाइव में देखेंगे दोबारा रिकॉर्डिंग में, और विक्रम यूट्यूब में देखनी है। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जो पिछले 104 एपिसोड हैं, आज मैं बहुत दिनों बाद मैं भूल जाता हूँ बताना, पिछले 4 एपिसोड हमारा यूट्यूब चैनल विविधा है उसमें है, और मैं देश के सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि उसको सब्सक्राइब करें। ये सारे विक्रम भाई ऐसे विद्वान टीचर हैं, उनके विचार उसमें उनमें हैं, वो सब देखें जब भी मौका मिले, इधर उधर की फिल्में देखने के बजाय, कॉमेडी देखने के बजाय उनको देखें, तो कुछ सीखेंगे, कुछ प्रेरणा लेंगे, कुछ प्रेरित करेंगे दूसरों को।
तो हमारा YouTube चैनल विविधा अवश्य सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो देख के हमें सुझाव दें इस शो को हम, जैसे आज विक्रम भाई ने बहुत कमाल की बात की इस शो को आगे बढ़ाने के लिए कि इनके जो संपर्क में श्रेष्ठ विदेशी शिक्षक है वो इस शो में आएंगे, तो हम आपको पहले से एडवांस में धन्यवाद देते हैं उसके लिए। जी जोशी सर, जरूर जरूर हम मैं विक्रम जी से सुनेंगे। मैं सिर्फ दो ही बातें जो मैंने शायद पहले भी कही थी वो ये, एक कि इस शो को आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, आपका सब्सक्रिप्शन जो है आपकी जो संख्या बढ़ेगी वो हमारा प्रोत्साहन, उससे हमें हम प्रोत्साहित होते हैं। और आपके जिसके जिसके रसूख में वो भी अच्छे टीचर्स हैं वो जरूर हमें नाम भेजें, उनका काम भेजें, हम उन्हें शो में आमंत्रित करना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हमारे अनुरोध को हमारा प्रणय मानिए, हमारा अनुमोदन एक रिक्वेस्ट मानिए हमारे। चलिए हेमंत कुछ कहना चाहेंगे सर अंत में? सर एक आखिरी प्रश्न आ रहा है कि बहुगुणा सर कब लौटेंगे? हाँ बहुगुणा सर बहुत याद आ रही है। बहुगुणा सर, सर उस रास्ते पर है जहाँ से पांडव सर को गए थे और वो उन्होंने जहाँ से वहां से शुरू किया माणा गांव जो बद्रीनाथ के आगे जहाँ पर द्रौपदी ने अंतिम सांस ली थी, उसके अगले पड़ाव पर नकुल ने, उसके अगले पड़ाव पर सहदेव ने, उसके अगले पड़ाव पर भीम ने। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वहां कहीं होंगे जहाँ भीम या सहदेव ने अंतिम सॉरी अर्जुन या सहदेव ने अंतिम सांस ली होगी, वहां कहीं होंगे वो आज इस समय। उसके बाद वो भीम ने जहाँ पर अंतिम सांस ली थी जो सरोवर है वहां पर जाएंगे, जहाँ पर एकादशी को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहाने जाते हैं उस सरोवर में। और उसके बाद फिर स्वर्ग की सीढ़ियां आती हैं जहाँ धर्मराज अपने कुत्ते के वेश में उसको स्वान के वेश में लेकर के गए थे, युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग गए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुगुणा जी लौट आएंगे क्योंकि वो स्वर्ग जाने के मूड में लग नहीं रहे थे मुझे। अच्छा ठीक है जी, बहुत समय उनका स्वर्ग जाने पांच छह दिन में आ जाएंगे, दर्शक आ जाएंगे, पूछ रहे हैं तीन चार दिन में आ जाएंगे। तो एक बार फिर से विक्रम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। हम रापता कायम रखेंगे, बातचीत कायम रखेंगे विक्रम भाई से, और आज के लिए इतना ही। कल शाम 7 बजे हमारे साथ दिल्ली से धर्मवीर जी होंगे जो कला के शिक्षक हैं और हम उनसे बहुत सारी चीजें कला के बारे में जानेंगे धर्मवीर जी से। ठीक 7 बजे दिल्ली से धर्मवीर जी को सुनना न भूलिएगा। तब तक के लिए हम सबको द टीचर शो से अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। The teachers show है ये सरकार, the teachers show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The teachers show है ये सरकार, the teachers show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The teachers show है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The teachers show है ये सरकार, The teachers show है ये सरकार, The teachers show है ये सरकार। The Teachers Show.